वैराग विद्वान् निज भक्ति योग शिक्षात्मेकं पुरुषो पुराणो श्रीकृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपदे। शिशिल भक्ति सिद्धांत शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताएं, जब भगवान का इच्छा हमारा इच्छा का साथ मिल जाता है तब सुखी हो। जब भक्तों का इच्छा और भगवान का इच्छा मिल जाता है तभी सार्थक होता है जिंदगी। जब आपका इच्छा भगवान का इच्छा का साथ मिल जाए तभी आप वास्तव सुखी हो पाओगे, शांत हो पाओगे, नहीं तो कभी भी आपका जिंदगी में शांति नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा। भगवत इच्छा का साथ हमारा इच्छा मिलाना ही काम है, भजन है। कई दिन, दो तीन दिन पहले ये बात को उठाया था, संन्यासात वैराग्यो वैराग्यात अभयम्, और यहां जो श्लोक देके शुरू किया था यहां भी सुंदर एक बात है, वैराग्य विद्वा निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुषो पुराण। ये जो वैराग्य है ये वैराग्य वास्तव वैराग्य है, ये वैराग्य सूखा वैराग्य नहीं है। ये वैराग्य को श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य जो वैराग्य को विद्या बोला है, वैराग्य कब अविद्या होता है, वैराग्य कब अविद्या हो जाता और वैराग्य कब विद्या हो जाता। वैराग्य जब ठाकुर जी का संतुष्ट, जब ठाकुर जी का संतुष्टि के लिए होता है, अर्थात कृष्णार्थे अखिल त्याग, भगवत पित्वार्थे जब सब कुछ त्याग हो जाता, उसी का नाम वैराग्य विद्या, जिस बारे में सुबह में चर्चा किया था, गौरांगेर भक्तगणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रसन्न हन गौर भगवान। गौरांगेर भक्तगणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रसन्न हन गौर भगवान। ये वैराग्य विद्या है। गेहो सन्यासी ये जो गेहो सन्यासी जो न दृष्टि न कंखति, गीता में संन्यास किसको बोला जाता है इसका बारे में जो चर्चा है, इसमें पहले ही बोला दे, पहले गेहो सन्यासी, गेहो नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कंखति, जिसका जिंदगी में किसी वस्तु का लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है और नफरत भी नहीं है, किसी वस्तु का लिए जिसका जिंदगी में कोई नफरत नहीं है और अट्रैक्शन में आकर्षण भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा एक न्यूट्रल अवस्था जो तमाम चीज आंखों का सामने दिखाई पड़ता है, वो ठाकुर जी का सेवा का वस्तु उपकरण। वैराग्य सिद्ध कब होता है, एक दफे श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज परमहंस श्रेष्ठ हमारा जगदीश बाबू जिसका नाम है भक्ति प्रतीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, उसको आशीर्वाद किए
आने के बाद एक फल दिया तरबूज। महाराज किसी से कुछ लेते नहीं थे, भगा देते जा, लेकिन उससे जो तरबूज लेके गया था महाराज दो लिया। उसके बाद उसको बैठाया और सुना भक्ति विनोद ठाकुर का उधर से आया और बैठाया, बोलाया कीर्तन, एक तो कीर्तन सुनाओ। कीर्तन सुनाया, बहुत प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद किया और बोले आपका वैराग्य सिद्ध हो जाए। ऐसा आशीर्वाद किया कि आपका वैराग्य सिद्ध हो जाए। इसका माने समझ में नहीं आया, वैराग्य सिद्ध होने का माने क्या है? वैराग्य सिद्ध होने का माने क्या है? जो हम बोला था संन्यासात वैराग्य, वैराग्यात अभयम। और एक बात ध्यान से सुन लेना, जब तक किसी का जिंदगी में वैराग्य सिद्ध नहीं होता तब तक उसका ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता। जब तक किसी का जिंदगी में वैराग्य सिद्ध नहीं होता तो उसका ज्ञान भी सिद्ध नहीं है, कच्चा ज्ञान है। पक्का ज्ञान मतलब भक्ति। जिसका जिंदगी में वैराग्य सिद्ध हो गया उसका जिंदगी में ज्ञान सिद्ध होगा। ये जो अप्राकृत जगत का ज्ञान है, अप्राकृत जगत का जो ज्ञान है, ये ज्ञान टिक नहीं पाता। जब तक वैराग्य सिद्ध नहीं होता तब तक अप्राकृत जगत का जो अप्राकृत ज्ञान है ये कभी भी किसी का जिंदगी में सिद्ध नहीं हो पाएगा, संभव नहीं। ब्रह्मा जी का ऊपर ठाकुर जी का बड़ा भारी कृपा हुआ। सुबह में इस विषय पर चर्चा हुआ, इतना कृपा हुआ जो ठाकुर जी अक्सर तो किसी को देते ही नहीं और बोले दिव्य ज्ञान को देने के लिए तैयार हो गए। उसी दिव्य ज्ञान जो है चतुश्लोकी भागवतम, आज इसका ही चर्चा हो पाएगा जल्दी जल्दी, और सुबह में इस विषय पर चर्चा किया था। श्री भगवान उवाचो और काल आज सुबह में इस श्लोक का व्याख्या किया। ज्ञानम परमम गुच्छंग में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंज ज्ञान गोदितंग मया। उसके बाद का श्लोक सुबह में बोला था, जब ये ज्ञान जो है स्वरूप ज्ञान और शक्ति का साथ जो संबंध है ये है विज्ञान। रहस्य है, जितना सारे जीव है जीवात्मा उसका जो गति है रहस्य है, और जो प्रधान जो है उसको तदंगंचो। देखने में चार हिस्सा है, देखने में लगता है कि चार हिस्सा है लेकिन चारों मिला के एक ही चीज है, वो अद्वैय ज्ञान तत्व एक ही चीज है। इसी को जितना सारे शास्त्रकार है इसी को ही विचार करके बताया अचिंतो भेदाभेद तत्व, इसी का ही नाम है अचिंत भेदाभेद, अचिंत भेदाभेद तत्व। ये अचिंत भेदाभेद तत्व श्रीमन महाप्रभु विशेष करके हमारे सामने पेश कर दिए। अचिंत भेदाभेद तत्व तो पहले ही था अनंत काल से, लेकिन चारों संप्रदाय का जो आचार्य है, चारों संप्रदाय का आचार्य जो है ये मूल तत्व वस्तु का बारे में विचार करते करते एक एक आचार्य जो एक एक विषय पर ज्यादा ध्यान दिया। एक है शुद्धाद्वैतो, द्वैताद्वैतो, विशिष्टाद्वैतो, द्वैतोवाद, जो सब है ये सब तत्वों को अलग अलग करके रख दिया, इसका भी विचार है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जब आविर्भाव है, आविर्भाव होने के बाद प्रमाण दिखाया कि तुम्हारा जो चार चार आचार्यों का विशेष विशेष जो सिद्धांत है एक ही है, विचार करो तो मूल में एक ही है, फिर भी दार्शनिक कोई विचार है अलग अलग सा। श्रीमन महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से एक एक वस्तु को उठाकर और बाद में अचिंत भेदाभेद तत्व को स्थापन किए हैं।
ये अचिंत भेदाभेद तत्व जो है अचिंत ये शब्द यूज किया कि जो चिंता का बाहर है बियॉन्ड ह्यूमन कंप्रिहेंशन। आदमी जो चिंता करके विचार करके उसका अर्थ निकाले ये कभी भी संभव नहीं। इसीलिए इधर बताया गया कि अचिंत भेदाभेद तत्व। तो श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए जब भी ये चारों अलग अलग सा विचार है देख रहे हैं आप ज्ञानं परम गुज्जुम जत विज्ञान संबंधितम सौर सतरंग जो गृहान गुदितंग में हम आपको ये बता रहे हैं आप ग्रहण करो। ठाकुर जी बोल रहे हैं चारों ये जो विषय है इसका विषय थोड़ा बहुत हम चर्चा पहले भी किया भगवान का स्वरूप का ज्ञान और शक्ति का साथ जो लीला है भगवान का ये है विज्ञान। शक्ति समन्वितम शक्ति छोड़ दो ठाकुर जी और शक्ति वेदांतों में सूत्र आता है वेदांतों में एक सूत्र आता है शक्ति शक्ति मतोर अभेद। शक्ति और शक्तिमान कोई भेद नहीं। शक्ति उसी का होता है शक्ति उसी का होता है जो शक्तिमान शक्ति कम शक्तिमान का ही शक्ति। शक्ति कोई आसमान में ऐसा घूमे ऐसा शक्ति एक आधार होता है एक आधार को लेके चलता है आधार। और ये जो शक्ति है शक्ति अप्राकृत जगत का शक्ति प्राकृत जगत का शक्ति जो कुछ भी है सारे ठाकुर जी से ही आया है। प्राकृत जगत में शक्ति नहीं बहुत सारे वैज्ञानिक लोग बोलते हैं बहुत सारे शक्ति है बहुत सारे चीज बहुत सारे शक्ति है हीट एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी है बहुत सारे। साइंस में बताया गया एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति को कभी विनाश नहीं किया जाता। वो कहां से आया बड़ा तगड़ा सिद्धांत हो वैज्ञानिक लोग का दिमाग में आया हिसाब करके देखा है एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। सिर्फ एनर्जी को एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी से ट्रांसफर किया जाता है ट्रांसफॉर्म इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। जैसे हाथ ऐसा ऐसा करो तो आपका मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा है ना। जैसे जल विद्युत होता है जल विद्युत में एक प्रोपलर है और जल की धाराएं आते हैं जल की धारा डायरेक्ट प्रोपलर पर गिरे और प्रोपलर घूमते रहे और फैराडेज लॉ इसके अनुसार उसमें से मैग्नेटिक ये हो जाए और मैग्नेट तैयारी होके आप वो मैग्नेट और उससे आप विद्युत तैयारी हो जाए आप वो ले लो। तो वो जो जलप्रपात वाटरफॉल्स वो जो जलप्रपात है वो जलप्रपात का जो पावर है ऊपर से गिर रहा है वो पावर को यूज करके आप अभी विद्युत शक्ति का उत्पादन कर रहे है ना। और जहां थर्मल एनर्जी थर्मल ये है वहां भी ऐसा किस्म का है जहां एटॉमिक एनर्जी का प्लांट है उधर भी है ऐसा किस्म का बहुत सारे विचार है। तो उसमें ये विचार आता है इस ये बात को ऐसे उठाया कि तमाम दुनिया का जितना सारे शक्ति है शक्ति जो है वो शक्ति डिफरेंट अलग अलग रूप पकड़ कर सामने आता है जड़ जगत का शक्ति और प्राकृत जगत का शक्ति ये सब शक्ति शक्ति तत्व तो है। तमाम जो शक्ति तत्व तो है ये भी अखंड तत्व तो है। शक्ति तत्व तो भी अखंड है भगवत तत्व तो जैसे अखंड है। भगवत तत्व तो मतलब क्या भगवत तत्व तो मतलब शक्ति के द्वारा समन्वित भगवत तत्व तो शक्ति तत्व तो से जुड़े हुए है। शक्ति तत्व तो को अलग किया जाए तो भगवत तत्व तो कैसा शक्ति तत्व तो भगवत तत्व तो एक ही है ना। शक्ति शक्ति मतोर अभेद वेदांत सूत्र में बताया जो शक्तिमान है शक्ति उसी का होता है और किसी का नहीं होता है। तो इस बारे में हल्का हल्का थोड़ा हम बताया विस्तृत बताने तो बहुत समय लगे। तो
जब शक्ति के साथ भगवान का कोई लीला नहीं है तो भगवान का कोई विचित्र ये सब जो लीलाएं हैं ये दिखाई नहीं पड़ेगा। भगवान का जो विचित्र लीला तब तो एकदम कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। और यहां जो है जो जीव का जीव राशि अनंत जीव राशि जो है इन्फिनिटी जीव अनंत काल से घूम रहा है और ठाकुर जी का साथ जीवों का नित्य संबंध है। चाहे आप मानो या नहीं मानो इसमें कुछ आता जाता नहीं। जीवों का साथ ठाकुर जी का नित्य संबंध है। जीवात्मा अनंत काल से घूमते रहते हैं अनंत काल इन्फिनिटी पीरियड। कृष्ण भोली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देह संसार आदि रूप। यहां जो अनादि बहिर्मुख इसका बारे में कोई किसी ने प्रश्न किया अनादि बहिर्मुख इसका माने क्या है, इसका माने क्या है अनादि बहिर्मुख। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये उत्तर दिया कि जड़ जो जड़ काल जानते हो, जड़ काल नहीं जानते। एक तो काल दो किस्म का होता है, एक है अप्राकृत काल जो गोलोक वृंदावन में नित्य रहता है और एक काल है यहां जो आप घड़ी देखते हो कितना बजे, ये मेटेरियल काल। काल भी दो किस्म का है, एक है अप्राकृत काल एक है प्राकृत काल। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया जड़ काल का जो हिसाब है, जड़ काल का जो हिसाब है इसका अंदर में उसका कोई ट्रेस आउट ना हो, इसका जो ट्रेस आउट ये हो ही नहीं रहा। मेरा बात समझ में आई, बात समझ में। जड़ काल का जो प्रभाव फैला हुआ है ये जड़ काल का हिसाब का अंदर कोई हिसाब किताब नहीं आता, इसीलिए अनादि ये शब्द को यूज किया भक्ति विनोद ठाकुर बोला। जड़ काल का हिसाब का अंदर इसको ये आता ही नहीं, इसलिए इसका नाम दिया गया क्या, इसका नाम दिया गया क्या बोले अनादि बहिर्मुख। लेकिन जीव का ये जो अनादि बहिर्मुख है खूब बड़ा सिद्धांत है, वो ध्यान से सुनना, किसकी इंटरेस्ट नहीं। कथा बोल के वृंदावन में क्या आनंद होता है बोलो, एक एक करके अपराध हो जाए तो वो भी इधर का आदमी सारे पैसिव हो जाएगा, डांटी हो जाए। पहले जमाने में कोई भी क्रियाक्रम करो तो गुरु वैष्णव का महाराज आज ये करे ऐसा करे पूछ के, अभी पूछता नहीं कोई। अभी ये कार्तिक महीना है, धर्म मास है, इसमें हर व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु का जो ब्रह्मोसाप का मोचन का विषय है हर को पाठ करना बने तो सब मरेगा। जो वृक्ष है नारियल विश्व को कार्तिक महीना में नहीं काटना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। अब काटना है तो ठीक है बाद में काटो, ये कार्तिक महीना है सारे विमुख हो जाएगा सारे, कोई भजन मुश्किल है जो रहेगा। ये हम भी प्रवचन कर रहे हमारा भी प्रभाव पड़ेगा, आप जानते नहीं हो, हमारा ऊपर भी प्रभाव करे, हमारा आनंद नहीं लग रहा है, बड़ा बात दुख है हमारा जिंदगी में। सारे चैतन्य महाप्रभु को साप मोचन पढ़ोगे, ब्रह्म साप जो मोचन का जो विषय है, नहीं तो हमारा गुरुजी एक दफे नारियल विखे का वो फाउंडेशन कर रहा था, मिस्त्री लोग भूल से सीकर को काट दिया, गुरुजी रोना शुरू कर दिया हाय हाय हाय, फिर बड़ा योग किया, रोना धोना किया, संकीर्तन योग ठाकुर जी क्षमा करो, ये ब्रह्महत्या हो जाता है। ब्रह्महत्या का विषय हम पाठ करें आप देखोगे, वित्तासुर आदि भयंकर चीज, कोई पूछता ही नहीं। कोई क्रियाकर्म करो तो कम से कम पूछो, कुछ नहीं है तो कैसे होगा बोलो। वो जो जीव जो ये जो सिद्धांत तो हम कह रहे हैं बड़ा, आज राधा कुंड का प्राकट्य तिथि है, समाप्त करने का पहले हम थोड़ा बहुत बताएंगे इस विषय पर, थोड़ा बहुत हम बताएंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा तो बताएंगे नहीं, जब कथा शेष का टाइम है तब हम बताएंगे। बताना चाहिए कृपा लेने के लिए हर वक्त, कृपा तो ऊपर से आता है ना, ऊपर से आता हर वक्त। तो जो भी है वो आपका ये जो क्या सिद्धांत तो बता रहा था, जो वास्तविक सिद्धांत, हाँ
ये जो अनादि बहिर्मुख जो सिद्धांत है, अनादि बहिर्मुख भक्तिविनोद ठाकुर बताया, लेकिन एक आशा की बात है। हमारा दिल में एक बड़ा आशा है, या हमारा गुरुवर्ग है भक्तिविनोद ठाकुर, हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वी महाराज, भक्ति वेदांत बामन गोस्वी महाराज, हमारा ये जो है, कभी भी हम शिल बामन गोस्वी महाराज को हमारा गुरु भाई नहीं बोला, हमारा जवान से नहीं आया कभी, तित्तु महाराज जी को कभी हम गुरु भाई नहीं बोला। वो तित्तु महाराज बोला आप तो मेरा गुरु भाई, हम गुरु भाई नहीं, हम आपका शिष्य है, ऐसा मत बोलो। हम बोला कहाँ आप हो, कहाँ हम है, गिरे हुए इंसान। हाँ तो ये लोगों को हम हमारा गुरु भाई नहीं माना, हर वक्त हम बोले सोचे गुरु है हमारा, गुरु तत्व तो शिक्षा गुरु है, तो इसलिए ये मठ अपना मठ, हम सोचते हैं कि ये मठ हमारा है, कभी हमारा विचार नहीं है दूसरे का मठ है इसका, ये विचार हमारा दिल में नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक सिद्धांत तो बताया, जब भी लिखा हुआ है कृष्ण होली सही जीव अनादि बहिर्मुख, फिर भी ये हमारा आशा है, जो ये अनादि बहिर्मुख होने से भी जीव का जो कर्म जो है, ये जो घूमना है ये शांत तो है, अतः अंत हो सकता, जीवों का जो मिजारी है दुख है घूमते फिरते अनंत काल से, इसका अवसान हर हालत में होने वाला है। समझा मेरा बात? समझा नहीं? जब भी अनादि बहिर्मुख अनादि काल से घूम रहा है जीव का कर्मफल जो घूम रहा है, फिर भी ये शांत, शांत माने सयुक्त अंत, अंत सहित कभी भी इसका समाप्त तो हो सकता है, ये हमारा बड़ा विश्वास है। इसलिए बड़ा आनंद के साथ कीर्तन कर रहा हूं, हरि कथा कीर्तन, ये आनंद है। तो ये जो जीव अनंत जीव, सुबह में बताया था जो नचिकेता जमराज जी महाराज द्वादश महाराज, उसके बाद बोला जीव, ये जीवात्मा का जो आत्मा का रहस्य के बारे में बताओ, आत्मा का रहस्य के बारे में बताओ। तो द्वादश महाजन महाजनों में जो प्रधान है, द्वादश महाजनों में जिसका नाम आता है वो जमराजी महाराज, जीव का जो रहस्य है, जीवात्मा का, आत्मा का जो रहस्य है, इसका बारे में बोलना शुरू कर दी। नचिकेता कितना बड़ा तत्वविद हो गया, साक्षात द्वादश महाजन में महान जो पुरुष है जमराजी महाराज महावैष्णव, उन्होंने इनको ये तत्व का उपदेश दिया, बड़ा सुंदर। अब उसका बाद प्रधान जो है, प्रधान और पुरुष दोनों को मिलाकर सृष्टि प्रपंच का रचना, इसका बारे में हम सृष्टि सृष्टि तत्व जब चर्चा करें हम बोलेंगे, चर्चा करना शुरू कर देंगे। तो ये जो प्रधान जो है, ये प्रधान कहां से आता है, जिसको आप सदाशिव बोलते हो, महाविष्णु बोलते हो ना, है ये महाविष्णु से अद्वैत गोसाई सदाशिव अभिन्न है। महाविष्णु जगत कर्ता माया जो सृजति अदह तस्वतार एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वर। सुना श्लोक? सुना ना? सुना ये श्लोक, जान लेना। और अद्वैत गोसाई जी ने इस बात को स्पष्ट किया, एक एक बात बताने जाए हमको जाना पड़ेगा गौर लीला में, गौड़ीय दर्शन पे। जब अद्वैत गोसाई शांतिपुर में श्रीमन महाप्रभु को प्रसाद दिया था, याद है ना, महाप्रसाद सन्यास लेने के बाद लेके गया, उधर लेके प्रसाद दिया, उस टाइम में नित्यानंद प्रभु प्रसाद पाया और मजा करके बोला आज पेट नहीं भरा हमको ये इसका निमंत्रण में, बोल के थोड़ा सा चावल लेके अन्न लेके ऐसा फेंक दिया। जब फेंका तो अद्वैत गोसाई के शरीर में लगा, अद्वैत गोसाई नाचना शुरू कर दिया, ये बेटा अवधूत, अवधूत जो है ये मेरे को अपना सामान बनाने के लिए आज देखो झूठा हमारा हाथ शरीर में दे दिया, बोल के नित्य शुरू किया। और अपना लेखनी में अद्वैत गोसाई लिखा भी है, गौरंग महापू का स्त्रोत्र उसमें लिखा है, उसमें लिखा है जो अद्वैत गोसाई और नित्यानंद प्रभु अभिन्न, अवधूत अभिन्न लिखा हुआ है। जो भी है तत्व सिद्धांत तो ये है, महाविष्णु जगत कर्ता मायाया जो सृजति अदह तस्वतार एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वर,
ये सच्चा बात है। जिसको महाविष्णु देखते हो, महाविष्णु कहां से आया? ये जो बलदेव है, मूल संकर्षण महासंकर्षण सब बहुत कहां बताए सब, वो सब से आए हैं। फिर चार चतुर्भुह, पहला चतुर्भुह, सेकंड दूसरा चतुर्भुह वैकुंठ में, उससे फिर आया है महाविष्णु। और महाविष्णु फिर महाविष्णु तो कर्णसाई करगोदग तीन पुरुष अवतार सुने हो ना, तीन पुरुष अवतार हुआ। तो इसमें जो कर्णसाई महाविष्णु जो है, ये महाविष्णु को सदाशिव के साथ अभिन्न जान लो। सदाशिव तत्व जो है, सदाशिव तत्व जो वैकुंठ जगत में एक, ये सदाशिव तत्व का ही जो छाया है ये तत्व इस जगत में कैलाशपति, समझा मेरा बात? सदाशिव तत्व है मूल। वैष्णव लोग जो पूजा करते हैं वो सदाशिव तत्व का पूजा करते हैं, सदाशिव तत्व। और वो जो ये जो जो अद्वैत गोसाई है और जो सदाशिव और महाविष्णु अभिन्न है, ये वैकुंठ तत्व है, विष्णु तत्व ही है, कोई बात नहीं। इसलिए अद्वैत गोसाई जी का चरण में तुलसी देना कोई माना नहीं कर सकते हो। लेकिन जब लिंगो स्वरूप पे रहे, लिंगो स्वरूप पे रहने से क्या होगा, लिंगो मतलब कोई खराब चीज नहीं है, और लिंगो सरने से आदमी बोले खराब चीज ना, ये तो एक कहने का बात है। लिंगो है योनि है तो शास्त्रों का विचार है। तो उसमें क्या है, वो उसका जो भाव है उसका अंदर में पूजा करो। पूजा करने के टाइम में अगर तुलसी दिया जाए उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन आप अगर तुलसी दो तो दुनिया का आदमी क्या करेगा, तुलसी काट के उसमें फेंकेंगे, वो तो उसका तो पता नहीं। इसलिए बेलपत्ता निषेध नहीं है, बेलपत्ता दे सकते हो, बेलपत्ता तो भी अपराकित है, बेलपाकित दे सकते हो। जो भी है इधर जो है सौरहस्यम तदंग जो ज्ञान को तंगमया, इस बारे में जीव जो अनंत काल से घूम रहा है, इस तमाम जीवों का साथ ठाकुर जी का नित्य संबंध है, नित्य संबंध है, नित्य संबंध है ये एकदम, और घूम रहा है। और बड़ा बड़ा जो शास्त्रकार है वो विचार किया, जो ठाकुर जी का जो रास हुआ था वृंदावन में, वृंदावन में शरतकालीन रास और बसंत रास, दो रास हुआ था। और ऐसे तो बहुत रास हुए, रास का माने आप जानते नहीं हो, ऐसे तो दो प्रधान रास, एक वृंदावन में जमुना तट पर, एक गोवर्धन में, शारदीय रास वृंदावन में जमुना तट पे, और जो वसंत रास है वो गोवर्धन में बड़ा हुआ था, बड़ा सुंदर प्रसंग। और बड़ा बड़ा शास्त्रकारों ने विचार करके बताया, ये अनंत जीव जो है, अनंत इन्फिनिटी जीव जो है, ये जीवों का साथ ठाकुर जी का मानो की नित्य रास हो रहा है, ठाकुर जी बीच में है। जैसे उस दिन एक साइंटिस्ट का बताया था, अनंत जो विश्व ब्रह्मांड है, अनंत कॉस्मिक वर्ल्ड, इसका अवश्य एक सेंटर पॉइंट है, साइंटिस्ट लोग बोले जरूर एक सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट को आविष्कार करना एंड टू क्वाइंसाइड योर हार्ट विद दैट सेंटर, दैट इज द फाइनल गोल, समझा मेरा बात? समझा नहीं? ये अनंत कॉस्मिक वर्ल्ड का, विश्व ब्रह्मांड का एक कौन सेंटर पॉइंट क्या है, और हमारा जो सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट दोनों को मिलाने का जो प्रचेष्टा, इसका नाम है भजन। कोई समझता नहीं हरे कृष्ण मारो काटो, भजन का कोई दिमाग में है ही नहीं, कुछ करो जो कुछ इच्छा करो, पल पल में अनुगत्य के द्वारा करना पड़ता है। पर एक चीज हमारा जिंदगी में हो नहीं सकता जो अनुगत्य के बिना किया, बाहरी दृष्टि में गुरु जी नहीं है, लेकिन ऐसा एक क्रियाकर्म हम करें कि गुरु जी का खिलाफ है तो हमारा पतन हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। हर वक्त हमको चिंता गुरु जी का क्या इच्छा है, गुरु जी क्या चाहता है, क्योंकि गुरु जी का इच्छा कृष्ण का इच्छा साथ मिले। तो बात यह है जो जो अनंत जीवराशि है सब अलग अलग सा सेंटर पॉइंट है, बड़ा दुख की बात है। इसको आविष्कार करो, डिस्कवर करो जो हमारा सेंटर पॉइंट क्यों इधर है, क्यों है हम ठाकुर जी का सेंटर पॉइंट जो है, ठाकुर जी का जो मूल उद्देश्य है उसका साथ हम हार्मोनाइज क्यों कर नहीं पाते। इसको ही तो कीर्तन में बोला ना, गुरु मुख पद्म तो हृदय, सब गाते चलते ढुलकी फटा के,
गुरुमुख पद्मवाक्य हृदय करिया आरना, इसका माने तो यही है गुरु जी का इच्छा के साथ हमारा इच्छा मिले और गुरु जी का इच्छा ठाकुर जी के साथ मिला हुआ है तो यही तो माने हुआ। ये जो अनंत ब्रह्मांड में जो एक सेंटर पॉइंट है ठाकुर जी है, और बड़ा बड़ा शास्त्रकारों ने बताया कि तमाम ब्रह्मांडों को लेकर तमाम जीवों को लेकर जीवो अनंत जीव राशि को लेकर मानो कि ठाकुर जी रास रचा रहे, लगता है कि ठाकुर जी रास कर रहे सब जीवों के साथ। अनंत जीव, कोई मरे कोई जन्म लेता है कोई मरता है, तो ऐसा तो मरण नहीं है जीव का जिंदगी, तो जीवात्मा मौत बोल के तो कुछ है ही नहीं, ऐसे तो बोलने का बात है। मौत का माने अत्यधिक विस्मृति, तुम्हारा ये जवान जन्म का कोई स्मृति नहीं रह जाएगा, विस्मृति हो जाएगा, सर छोड़ दो। मौत मतलब मौत कुछ नहीं है, जब भजन करते करते सिद्ध हो जाओ तो आप देखोगे मौत बोल के कुछ है ही नहीं। एक एक बड़ा बड़ा महात्मा हंसते हंसते शरीर को छोड़ा, परम पूज्य केशव को सिंह मारा, ए देख तो तिथि क्या है पूर्णिमा कब लग रहा है, ऐसा करके छोड़ा शरीर। मेरा गुरु जी छोड़ा, बामन गोस्वामी महाराज भी ऐसा ऐसा ही, तो हंसते हंसते शरीर छोड़ता है वैष्णव लोग, कि वो उसको शरीर छोड़ना क्या है कुछ नहीं। और ये जो इसी का बारे में भागवत जी महापुराण शुरू, जब शुरू हुए भागवत जी महापुराण का जब प्रवचन शुरू हुआ, तब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने एक बात बताया, राजन खूब सावधान हो जाना, हर वक्त चिंता करते रहना दैट यू आर गोइंग टू डाई, हर वक्त चिंता करो, तम तू मरिष्ये इति अचिंतय, ध्यान से सुनना बात को, बड़ा काम का है जिंदगी में। कभी भी पागल अभी आपका जिंदगी कुछ भी गलती नहीं हो सकता, जब ये अगर ये सिद्धांत तो हृदय में आ जाए तो कभी गलती नहीं कर सकोगे, गुरु वैष्णव का आश्रय ले लोगे बस जिंदगी धकाधक चले। तो तुम तो मरीष्य चिंता है राजन, तुम मर जाओगे इस विषय में चिंता करो, हर वक्त चिंता करो, अभी मर जाओगे अभी मर जाओगे अभी मर जाओगे चिंता करो, क्यों बोले अगर ये चिंता आपका हृदय में बने रहता है, आपका हृदय में हम मर जाएं ये विचार एकदम हर वक्त रहता है तो कभी भी कोई घटिया काम पाप नहीं कर सकोगे, उचित नहीं, हर वक्त डरोगे हम तो मर जाएंगे क्या करें, ये सब फालतू काम ये कुत्सित जो है डर्टी काम हम क्यों करें, छी 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 ऐसा आएगा। तो जब ये बताया तुम मर जाओगे राजन हर वक्त चिंता करो, तो राजन परीक्षित महाराज हर वक्त चिंता करते रहे हम मर जाएंगे, जब मर ही जाएंगे तो मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए, अमृतमय कथा को ग्रहण करो, ये अमृत जब ग्रहण करोगे तो आपका जिंदगी भी सक्सेसफुल होगी, मौत बोल के कुछ नहीं रहेगा। ये भागवत जो अमृत है वो अगर आपका हृदय में रह जाए इसका अमृत, तो मौत बोल के कोई चीज आपका जिंदगी में है नहीं। जैसे परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज क्या हुआ, स्वरूप सिद्धि हो गए, परीक्षित महाराज अंतिम में बोल रहे हैं एक कहां साफ है तक्षक है, हमको बहुत दंशन का खूब दंशन करे, आप दक्षतु अलम में गाया तो कृष्ण गा था, खूब कृष्ण कीर्तन हरिकथा होते रहे और साप कहां है कहां है कहां है तक्षक कहां है, आए मेरे को दंशन करे, आप कोई डर नहीं, ऐसा है ना। अजब पूरा भागवत कथा बोलने का बाद, प्रवचन होने का बाद, जब सुखदेव गोस्वामी शिष्य परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि राजन, वो तो सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं एक जगह तो रहने वाला नहीं, परमहंस श्रेष्ठ है, हो गया तो चलो रहना नहीं किसी मतलब नहीं किसी का साथ। अब जाते समय राज अपना शिष्य परीक्षित महाराज को बोल के गया, राजन एक बात ध्यान से सुनना, हरि कथा का बाद पूरा प्रवचन का बाद भागवत कथा का बाद 18000 श्लोक का बाद जाते समय बोलते गया, राजन एक बात ध्यान रखना, क्या क्या बात भूलोगे नहीं तो, ये बात ध्यान रखना, क्या तम तु मरिष्ये
पशु बुद्धि इमम जो ही, तुम जो मर जाओगे ये पशु बुद्धि है ये छोड़ दो। हाँ हैरान की बात है, जब कथा शुरू किया था तो बोला तुम मर जाओगे ये सोचो, हर वक्त चिंता करना तुम मर जाओगे, और जाने का टाइम में बोल रहा है कि तो ये बात को ध्यान रखना, तम तू मरीष्य पशु बुद्धि इमम जो ही, ये पशु बुद्धि है, ये पशु बुद्धि है, इसको छोड़ना राजन। बोले महाराज बड़ा हैरान की बात है कैसे है, उल्टा बोल दिया। बोले उल्टा नहीं बोला, तुम उल्टा हो, तुम्हारा विचार उल्टा है। सुखदेव गोस्वामी कभी गलत नहीं कर सकता, जब तक भागवत कथा किसी का कानों में नहीं गया तब तक हम मर जाएंगे विचार करो, तब तो भागवत कथा का अमृत। जैसे गोकर्ण जी भागवत कथा बोला तो इतना हजार आदमी उपस्थित है लेकिन किसका कानों में गया, जिसका जरूरी है। इकोनॉमिक्स में एक बात है, इफ डिमांड इज देयर देन सप्लाई कैन बी मेट। डिमांड नहीं है तुम्हारा जिंदगी, यहाँ कोई डिमांड नहीं, हमको तो डिमांड ही नहीं देखता, हम दुखी हो जाता, डिमांड नहीं है तो हम चला जाता, क्योंकि रहता नहीं उस जगह, छोड़ देता जहाँ जो कुछ भी बोले। हम डिमांड देखने जाते हैं, किसका अंदर डिमांड है, ठाकुर जी का पास जाए भजन करे हैं, ये देखना चाहता। तो ये जो है डिमांड नहीं है तो मिलेगा भी नहीं, हमारा अंदर में चाहत नहीं है तो मिलेगा कैसे। हमारा अंदर में प्रभुपाद बोले जो चाहे वो पाए, जो चाहता है वो पाता है। भक्तिविनोद ठाकुर इसका उत्तर दिया, अपना पूरा जिंदगी में भक्तिविनोद ठाकुर जितना उपदेश दिया उसका पूरा एक संचय करके व्यवस्था हुआ, उसमें कई किस्म का उत्तर है। भक्तिविनोद ठाकुर जो बोले जो चाहता है वो पाता है, वो युवा तुम्हारा चाहत नहीं तो मिलेगा नहीं, करते रहो कुछ। तो उधर जो है ये जो विचार है, जो कथा अपराकृत जगत का जो कथा देखो, धुंधुकारी का इतना कष्ट, पेट जोड़ मिला था ना, इतना कष्ट रहा नहीं गया उसको, तो मरा था ना। प्रेतात्मा को जैसे मौत होता है ना, वो कष्ट हर वक्त होता है, हर वक्त उसका कष्ट होता है, इसलिए उसको मालूम है जे हमारा गोकर्ण जी जो व्यवस्था किया वो कथा को हम सुनेंगे और मुक्त हो जाएंगे, जरूर सुनेंगे। भाई इतना हजार श्रोताओं का अंदर एकमात्र धुंधुकारी और प्रेतात्मा सुना था तो उसका मंगल हो गया है ना। हजार आदमी रहे किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करे, मुर्दा हुआ मरा हुआ आदमी, शास्त्रों में बोला मरा हुआ, प्रभुपाद इसलिए बोला प्राणाशिजार सेहत उपचार, प्राणी नहीं है मुर्दा, सब मरा हुआ है, डेड बॉडी, डेड बॉडी सब, चाहे कुछ भी गुस्सा हो जाए डेड बॉडी सब, किसका अंदर में कंसियसनेस का कोई मिनिमम डिग्री, आई वॉन्ट टू सी, हम मिनिमम डिग्री को देखना चाहते हैं, कंसियसनेस का कम से कम ये लेवल है, उसके बाद जो हो कंसियसनेस नीचे जा रहा है, अपराध करते करते नीचे पूरा सब जीरो लेवल नेगेटिव पॉइंट, तो कैसे होगा। कोई व्यक्ति अगर जानना चाहे कि महाराज हम वो जगह को जाएंगे, कोई आदमी बोला देखो इधर से 20 किलोमीटर है, इधर से उत्तर दिशा को 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर वो चला गया, 20 किलोमीटर जाके वो गांव नहीं मिला, तो किसी आदमी को बोला महाराज वो गांव का, बोले तो आपको तो उल्टा बताया, आपको तो पूरा उल्टा बताया, उत्तर दिशा तो नहीं है दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा, आप कहां से आए हो, बोले वहां से आया 20 किलोमीटर चल के, बोले फिर पहले आगे पहले उधर चले जाओ, पहले जहां से स्टार्टिंग किया था वो स्टार्टिंग पॉइंट में पहले चले जाओ। हरे राम राम, 20 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर तो फिर ऐसे ही हो गया, समझा मेरा बात, आपका पनिशमेंट इधर ही हो गया कि गलत रास्ता में गया, गलत रास्ता में गया तो उसका लिए 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पनिशमेंट आपका है, फिर अभी कुछ नहीं हुआ, बोले हम तो 40 किलोमीटर चला, हमारा क्या 40 किलोमीटर तो ये तुम्हारा पनिशमेंट है, हमारा क्या आता जाता है, तुम न्यूट्रल पॉइंट में पहले आओ, अब न्यूट्रल पॉइंट से अब जाओ 20 किलोमीटर दक्षिण, आया बात, आई बात समझ में, तुम्हारा जिंदगी में ऐसा हालत है, उल्टा रास्ता भी चल रहे हो नेगेटिव, और नेगेटिव जगह से फिर न्यूट्रल जीरो पॉइंट पे आओ, उधर से पॉजिटिव पॉइंट जाओगे फिर, और नेगेटिव हो रहे हैं तो कैसे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला।
तो ये जो है जो अनंत जीव राशियों को लेकर मानो कि ठाकुर जी एक रास रचा रहे, सारे जीव अनंत ब्रह्मांड में सबको लेकर ठाकुर जी एक रास कर, कोई दुख की बात नहीं समझो तो, कोई दुख की बात नहीं, आनंद। और यहां बताए जवान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनो गुहा। ठाकुर जी ने बताए हमारा रूप कैसा है, हमारा गुण कैसा है, हमारा भाव कैसा है, हमारा गुण कर्म, हमारा लीलाएं कैसे हैं, ये सब विषय में तुम्हारा हृदय में तत्व ज्ञान प्रकटित हो जाए, तुम्हारा हृदय में तत्व ज्ञान प्रकटित हो जाए, ये मेरा मद अनुग्रहात। अनुग्रह मतलब क्या, अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब क्या, अनुग्रह का मतलब करुणा कृपा, यही तो अनुग्रह है। अनुग्रह माने कृपा, करुणा कर दिया, हम दे देते चलो, तुम्हारा तुम्हारा खुद का बस का बात नहीं है, तुम क्या करोगे अकेले, कुछ नहीं होगा। तो हम तथैव ये सब विषय में तत्व ज्ञानम अस्तुते, तुम्हारा हृदय में ज्ञान प्रकटित हो जाए, ते मद अनुग्रहात, हमारा अनुग्रह से, हमारा कृपा के द्वारा। इसलिए हमारा गुरुवर्गो ने सिखाया भजन का रास्ता है रोना, हर वक्त रोना पड़ेगा, हमको कृपा करो कृपा करो, कुछ नहीं हुआ कृपा करो, रोना पड़ेगा दिन भर। रघुनाथ दास गोसाई ठाकुर जी का अपना आदमी है, रोती मंजरी राधा रानी का, और रघुनाथ दास गोसाई हर वक्त रोते रहते हैं, हमको कृपा करो। अरे कृपा करो मतलब, राधा रानी का अपना आदमी, राधा रानी का सहेली रोती मंजरी है, वो कैसा रोती, रोती मंजरी कैसा रोती है, कैसा रोती है रोती मंजरी, रोती मंजरी रोते हुए बहुत सारे बात होते हैं। तब ही वो सुनी नौ जीवामी त्वयं बिना इति विज्ञायो देवी नयो माम तब तबान तब चरणांतिकम, हे देवी हम मर जाए मर जाए हम मर जाए, हैं तब ही वो सुनी नौ जीवामी त्वयं बिना, हे देवी तुमको छोड़ के मेरा कोई रास्ता ही है नहीं, हम मरने वाला है। रघुनाथ दास गोसाई रोते रोते बोले हे देवी रास्ता निकालो हमारा लिए, हे देवी बचाओ। तब ही वो स्मी मैं तुम्हारा ही हूं गारंटी, एव तब ही वो स्मी नौ जीवामी त्वयं बिना, तुम्हारा तुमको छोड़ के हमारा कोई रास्ता ही नहीं है, हम तो मर जाएंगे, तो बचाओ कृपा करके आपका चरण में ले लो कृपा करके। ये जब सिद्ध महात्मा जब ठाकुर जी का निजी जन है, एक तो गौरंग महाप्रभु का निजी जन, गौड़ीय भजन में डबल लाभ है, एक है गौर लीला में तुम्हारा एक शरीर रहेगा, जब सिद्ध हो जाओगे ना, सिद्ध कब होता है, एक है प्रकृति का गुण को जय कर लो, ये है प्राइमरी सिद्धि, प्रकृति का उपजय हो गया, प्रकृति का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट नहीं दे रहा है, यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति का तीन गुणों का कोई प्रभाव आपका ऊपर नहीं आ रहा है, साधु महात्मा का इतना कृपा आपका ऊपर हुआ, जो कुछ गुस्सा है काम है क्रोध है कुछ नहीं आ रहा है, प्रकृति कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर पाता, ये इसका बोलता है मिनिमम, ये प्राइमरी सिद्धि, इसका माने ये ना तुम सिद्ध महात्मा बन गया, ये प्राइमरी सिद्धि, इसका बाद आपका भजन शुरू हो सकता है वास्तव भजन। अब सुनो, प्रकृति जय का बाद वास्तव भजन होता है, गुरु भक्ति के द्वारा जब प्रकृति जय हो जाए, प्रकृति जय सिद्ध हो जाए, तब आपका वास्तव भजन शुरू हो सकता है। हम अगले दिनों में सब चर्चा करें सुंदर, इसी का नाम गौड़ीय दर्शन है, बाजार में किसी जाएगा ये सब चर्चा नहीं हो पाएगा, संभव नहीं, वो करेगा ही नहीं, कोई नेगेटिव पॉइंट है, बोलने से आदमी को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा ये सब बोलने से। हाँ, तो रघुनाथ दास गोसाई गौरांग लीला में रघुनाथ दास गोसाई, वो भी सिद्ध, ये रघुनाथ दास गोसाई के जो स्वरूप है ये भी नित्य स्वरूप है, ये गौर लीला में, और राधा रानी का वृंदावन लीला में उसका स्वरूप है क्या, रति मंजरी।
हमारा गौड़ीय भजन में ये सुविधा है, पहले तो स्वरूप सिद्धि हो जाए, स्वरूप सिद्धि का बाद चुपचाप भजन करते रहो, स्वरूप सिद्धि हो गया तो हो गया कमाल, करते करते वस्तु सिद्धि जब हो जाए, जब शरीर छूट जाए तब वस्तु सिद्धि होगा, एक नित्य आपका जो स्वरूप है ये पकड़ के आप दोनों लीला में जाओगे अगर भजन सही है तो। भजने भजन करने के समय में जो करोगे सिद्धि में वही मिलेगा, सब पागल है, वो सोचता है कि हम सिद्धि कैसे सिद्धि होगा। भजने साधने साधी में जहा सिद्धि ते सिद्धि में क्या मिलता है, वही मिलता है सिद्धि में, क्या आकाश आसमान से आएगा क्या, जो साधन करोगे वही सिद्धि में आएगा, जो विचार करके आप चलोगे। बी केयरफुल। अब जब उस समय में आपका शरीर सिद्ध हो जाए, मतलब शरीर छूट गया और चिन्मय देह लेकर अब दो धाम, धाम तो एक ही है, गौड़ धाम और वृंदावन धाम एक ही है, एक ही है, लेकिन फिर भी लीला के लिए दो विशेष स्पेशलिटी है। एक है ये दशम स्कंद में हम चर्चा करेंगे, अभी करें तो बेकार समय चला जाए। एक तो है गौरांग लीला जो है वो सेतोद्वीप में, ये गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन ही है अंतकरण में, जो राधा गोविंदो के लीला उसका जो बाहर में, बाहर में गौर लीला है परिशिष्ट। इसका बारे में हम दशम स्कंद जब चर्चा शुरू करें तब हम बताएंगे। तो दो स्वरूप में आपका, एक है गौर लीला में, गौर 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 सेवा में जाओगे स्वरूप पकड़कर, और दूसरा है राधा रानी का, राधा रानी जो वृंदावन धाम है उसमें आपका शरीर चले जाए। ये डिपेंड करता है, गुरु बता देता है, गुरु देता है, बिना गुरु ये सब तो मिलेगा नहीं, सिद्ध महात्मा जो आपको बता देगा। धीरे धीरे भजन करते रहो, गुरु सपने में आके बताएंगे तेरा स्वरूप ये है, तेरा ये सब बताएंगे जो भी है। बाजार में सहजिया पद्धति चल रहा है, राधा कुंड में यहाँ वहाँ पैसा देके अपना स्वरूप को बिक्री होता है, तुम्हारा सब कितना पैसा लगे, बोले महाराज 50,000 लगे, 50,000 नहीं, 50,000 तो लगेगा ही, स्वरूप बता देगा गुरु जी। सब पागल है, बदमाश है, डाकू है, लुटेरा है, मक्कार है, सब साधु नहीं है, मक्कार, दे आर ऑल चीटिंग यू, सब चीटिंग कर रहा है। जैसे भजन करोगे उसका मुताबिक आपको सिद्धि मिले। वो बाजार का कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, हमको 50,000 तो हम सिद्धि हमको स्वरूप बोल देंगे, चल रहा है वृंदावन में बिजनेस चल रहा है, अब करने तो हम क्या करें, ज्यादा ये उत्पटन देंगे, हम चुपचाप बैठ जाएंगे माला लेके, जा मार दुनिया मरने जा, हम क्या करें, कोई मानेगा नहीं तो हम क्या करें। तो ये जो हो तथैव विज्ञान वस्तुते मदनुग्रह जवान, हमारा रूप गुण लीला परिकर जो है सबको मारे में तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा, मदनुग्रह हमारा आशीर्वाद रहा, कृपा रहा। और ठाकुर जी ऐसा जो ज्ञान देते रहे तो उस समय पे गोलोक वृंदावन का टोटल पिक्चर, जो छवि, छवि नहीं, छवि बोले तो गलत गलत है, वास्तव ब्रह्मा जी को दिखा, देखो हमारा धाम देखो, हैं वास्तव वो धाम को दिखाया ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी देखते रहेगा, अरे बाप रे बाप क्या देख रहा है, ब्रह्मा जी का नजर का सामने गोलोक वृंदावन जो है उसका पूरा धाम का दर्शन दे दिया। देखो ये धाम है मेरा, ये मेरा स्वरूप है, ये देखो ये सब मेरा परिकर है। ब्रह्मा जी देखते रह गए पागल का मापी, अरे बाप रे बाप क्या देख रहा है, आंखें फार फार कर देख रहा है ब्रह्मा जी। वो जो देखा है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसी का बारे में ब्रह्म संहिता में बताएगा। ब्रह्म संहिता क्या है आप अगर बोलोगे, ब्रह्म संहिता क्या है, ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी का डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ब्रह्मा जी जो देखे हैं डायरेक्टली, जैसे रिले हो रहा है ना, वहां खेला चल रहा है उसका रिले हो रहा है, हाँ हाँ हो रहा है। जैसे महाभारत का अंदर कुरुक्षेत्र का युद्ध है, वो युद्ध चल रहा है कहां, कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र में, कहां चल रहा है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में चल रहा है ना,
लेकिन यहां जो है गवल्ग ऋषि को तनय संजय यहां हस्तिनापुर में बैठकर उसका रिले कर रहा है, क्योंकि व्यासदेव जी आशीर्वाद करके गए, चलो आशीर्वाद रहा मेरा, तुम ये अंध धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र में जो जो हो रहा है कैमरा का माफी, अब तो ऊपर से वो होता है, ऊपर से होता है ना हमारा वो जो उपग्रह है, हुआ ऊपर जो उपग्रह का अंदर कैमरा का ये है सब, ऊपर जाके फोल्डिंग खुल जाता है ऐसा, पहले जाता है पूरा कॉम्पैक्ट होके लॉन्चिंग पैड से, फिर रॉकेट जाके उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का बाहर ऑर्बिट में फेंक के आता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, 0.001% कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए तो बिखर जाए पूरा जो ये है, पूरा जो प्रोग्राम पूरा कंसेप्ट, इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन उसको जाके वो ऑर्बिट में छोड़ के आता है, वो ऑर्बिट में, और उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इधर से जाता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काट के फिर उधर जाके उसको स्थिति करके देता है, और पृथ्वी जो घूम रही, पृथ्वी का जो उसका साथ टैली करके हिसाब करके उसको लगाया कि पृथ्वी ऐसे घूमते रहे, इंडिया का ऊपर ही उपग्रह रह जाएगा, हर वक्त जहां भी रहे घूमते रहे तो सेटेलाइट भी घूमते रहे, और अमेरिका में कोई खेला हो रहा है तो वहां से यहां से क्या हो रहा है, इधर से इधर का पिक्चर ले ले, इधर से टैली करे, यही तो साइंस है, वहां से कैमरा देके उसको उठाए और उसके इधर दे रहा है ना। तो देखो पहले जमाने में हम इस बात को क्यों उठाया, बोलो देखो कितना एडवांस था पहले जमाने में, राम रावण का युद्ध हो, पहले का युद्ध हो, उसमें जो तीर चलता था कितना एडवांस था, एक एक मंत्र करके छोड़ दिया, जलवान आया, वायुवान आया, अग्निवान आया, अरे, और एक बाण जो है, एक बाण छोड़ दिया, एक बाण छोड़ा एक या हजार हो गया, छोड़ा एक बाण मंत्र करके, वो एक बाण जाते जाते डबल ट्रिपल ऐसा, तो कितना एडवांस था उसका विचार था ना। अब तो आदमी बोलता है इतना बुद्धिमान हो गया, हम तो बोले पूरा बेवकूफ बन गया आदमी। न्यूज़पेपर में आज से 20 साल पहले एक न्यूज आया था कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो ऊपर जो परी है, परी जानते हो एंजल, वो पहले जो प्रस्तुत हुआ था वो हवा पे घूम रहा था पहले, अब अभी घूम नहीं रहा, सारे साइंटिस्ट लोग आए, उसका क्या टेक्नोलॉजी था कोई किसी को पता नहीं, पूरी जो है उसका ऊपर घूम रहा था, अभी कोई कोई किसी का हिम्मत नहीं, इतना बड़ा बड़ा मंदिर बना, कहां क्रेन था, कहां दिखाओ मेरे को, पूरी का मंदिर बना, इतना बड़ा बड़ा कोणार्क सूर्य मंदिर कौन बनाया था, तुम्हारा अभी का जो फुलिश इंजीनियर है वो बनाया था, ऑल फुलिश, ठाकुर जी को नहीं मानता, कुछ नहीं मानता, सब बेकूफ है, टेक्नोलॉजी है लेकर मरो टेक्नोलॉजी लेकर। तो अब तब का जमाने में कितना एडवांस था हैं, विचार करो, मिसाइल अब हो गया हिट मिसाइल, इधर से कैलकुलेट करके छोड़े और दूसरे कंट्री में उसी जगह को हिट करे, मिसाइल बोलता है उसको, पहले से ही था, कहां नया है, ये तो फिलोसफी सब वहीं से आया, राइट ब्रदर ने प्लेन चलने का, जो पंछी उड़ता है आदमी क्यों, इसी से तो प्लेन आया ना, प्लेन कैसे आया, ऐसे तो आया पहले, इसलिए हम इसलिए विचार है, साइंस एंड फिलोसॉफी गोज टुगेदर, साइंस एंड फिलोसॉफी गोज टू एक है, हाँ जो भी है, यहां जो है ब्रह्मा जी को ठाकुर जी दिखा रहे, देखो मेरा धाम देखो, ये मेरा स्वरूप देखो, सब दिखा रहे, अब ब्रह्मा जी जो अब प्रैक्टिकली जो देखे वो उसका जो अभिज्ञता है, अपना एक्सपीरियंस है, उसे ब्रह्म संगीता लिखा, जो जो देखे हैं उस बारे में लिखे, अब ब्रह्म संगीता का विचार श्रीमन महापुरुष साक्षात कृष्ण वस्तु, जो ही कृष्ण वही कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य, अब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इसको अप्रूव किया, दक्षिण भारत से लेके भक्तों लोग बोले ये रख लो बड़ा काम का ग्रंथ है, बोला ना ब्रह्म संगीता और कर्णामृत दोनों ग्रंथों लेके आया, भक्त समाज में छा गया, भक्त समाज में ब्रह्म संगीता और कृष्ण कर्णामृत का जो विचार है वो चारों छा गया, महाप्रभु का कृपा है,
बोले बड़ा काम का ग्रंथ है, कृष्ण का तत्व के बारे में जानना चाहते हो देखो, सहस्रपत्तम कमलम गोकुलाक्षम महत्पदम तत्कर्णिकारम तत् अनंतांश संभव, सब ब्रह्मा जी देख रहे हैं। अरे एक बड़ा सा पद्य है विभु, हा उसका ऊपर कर्णिका पद्म फूल का अंदर में जो कर्णिका है ना बीच का, उसमें गोलोक धाम है, आ कितना सुंदर, हरि बाप रे बाप, सब देखा। तो ठाकुर जी ब्रह्मा जी, अभी ब्रह्मा जी को ठाकुर जी कह रहे कि जवान हम यथा भावो यद रूप गुरुम कर्म कह तथी विज्ञान मुस्तुते मद अनुग्रह, हमारा ये सब विषय में अप्राकृत प्राकृत अप्राकृत विषय में तुम्हारा पूरा ज्ञान हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो चतुश्लोकी भागवत अब शुरू हो रहा है, अभी जो पहले एक तो है हम दे रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं, उसका बाद ये असली जो चतुश्लोकी सो रहे हैं चार श्लोक। अहोमिवास मेवाग्रे नान्नज्जत सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च जो अवशिष्योस्मि अहम, भले अहमेव अहमिवास मेवाग्रे नान्नज्जत सत्परम, सत और असत ये जो बुद्धि है आपका, इस कोई भी वस्तु पहले नहीं था, सद असत हैं बोलिए कुछ चीज नहीं था, केवल हम ही था। पश्चात हम और सृष्टि का जब बिल्कुल नाश हो जाए तभी हम रेसिड्यू हम रह जाए, शेष हम ही रह जाए। सृष्टि का आदि में एकमात्र तो हम ही था, सारे सृष्टि प्रपंच रचना हुआ अभी चल रहा है, पूरा सृष्टि जब विनाश हो जाए उसका बाद ही हम ही एकमात्र शेष रह जाए, कोई अवशेष नहीं। इसका बारे में श्लोक बताया था ना ब्रह्म संगीत, जस्यैक निशेषितो काल मथावलंबो जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर महान इहो यस्सो कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ये सब श्लोक है ब्रह्म संगीत। अभी भी बद्रीनारायण में जाओगे पहाड़ी चट्टी हिमालय पे सुबह का 4 बजे इसको चला देता है, सुबह 4 बजे आरती का पहले 4 बजे से अंधेरा में चलता है वो जोर से ब्रह्म संगीता, ये जो है पूरा है ब्राह्मणों का स्तुति सुंदर सुनोगे तो एकदम, अगर कॉन्शियसनेस है नहीं है तो मरो क्या है। हमारा एक गुरु भर को वो मजाक के साथ बोलता है भोईसों का सामने भेड़ी पीटना क्या फायदा, भोईसों का सामने जितना ही भेड़ी पीटो भोईस तो करते रहे क्या होगा, भोईस तो भोईस ही है, अगर कॉन्शियसनेस है तो चिंता करते रहेगा महाराज क्या हो रहा है, अरे क्या बोल रहा है, सुंदर विचार आएगा हिमालय का चट्टी नरनारायण पहाड़ नर मनोपहाड़ नारायण पहाड़ या बुद्धि का बुद्धिनारायण अलोकानंद का धारा आ रहा है बड़ा पहाड़ से एकदम, यह अनुभव है। वहाँ एक विशेष है, कोई भी साधारण आदमी जाए जिसका अंदर में काम है, काम छूटा नहीं, लेकिन बुद्धि का समय जाए तो हॉट स्प्रिंग वह जो गर्म तप्त तो पानी है उसमें उसका काम नहीं दिखा दे, बड़ा आश्चर्य की बात है। हमने देख के हैरान हो गया, हम बोले क्या बात है, ऑर्डिनरी कोई आदमी वहां जाके वहां ज्यादा बदमाशी नहीं कर सकता, उसी में पानी में माइया लोग भी नहा रही है वो भी ना कुछ भी कोई रिएक्शन नहीं होता। हमारा दिल में तो ये लगा, अब कौन दूसरा है आदमी अगर दूसरा सोचे तो अलग बात है। तो जवान हम इधर बताया अहोमेव हैं अहोमेवास में अग्रे जो पहले हम था और कुछ नहीं था, पश्चात हम जदे तच्च जो अवशिष्य तो सोचते हम बाद में भी हम ही रह जाएंगे और कुछ नहीं रहेगा। और इसका बाद विचार आ रहा है कि रीति अर्थम जब तृतीयत न प्रतीयत स्वात्मनि तद विद्वाद आत्मानुमयम यथावास यथा तमहा, भले जो रीति अर्थम ये श्लोक का बहुत सुंदर चर्चा होनी चाहिए। रीति अर्थम जत प्रतीयत्व जो सच्चा बोल के प्रतीत होता है तुम्हारा सामने, तुम्हारा जिंदगी में लगता सारे सच्चा है ये सब चीज। रीति अर्थम जत प्रतीयत्व प्रतीयत्व प्रतीयमान हो रहा है, रीति अर्थम जत प्रतीयत्व हैं नौ प्रतियोत चा आत्मनी, आत्मनी मतलब
जो चीज आपका सामने प्रतियमान हो रहा है, आप सच्चा मान के चल रहे हो, लेकिन आत्म वस्तु जो है, आत्म वस्तु अंतर आत्मा, उसमें उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। समझा मेरा बात? जैसे बाहर में आपको दुख मिला, बाहरी दुख, क्योंकि आप माया का अंदर हो, कि आपका तत्वज्ञान स्फूर्ति हो जाए तो आपका अंदर में जो दुख पहुंचता है, दुख और पहुंचेगा। मेरा बात समझा? मेरा बात नहीं समझा? बाहर दुनिया में जो कष्ट है और सुख है, जो कुछ भी है, सुख और दुख, उसका रिफ्लेक्शन जो है आत्म वस्तु जो है अंदर में, उसका अंदर, उसका ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो आत्म वस्तु है शुद्ध। दुनिया का कोई भी चीज का कोई रिफ्लेक्शन इसका अंदर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जीव माया के द्वारा कवर्ड है, माया के द्वारा आवृत है। माया के द्वारा आवृत होने के द्वारा उसका स्वरूप का विभ्रम हुआ, स्वरूप का भ्रम हुआ। विभ्रम मतलब विशेष भ्रम, भ्रम तो मामूली बात है, विशेष भ्रम हुआ तो ये कोई मर गया, हमारा कुछ गया, कुछ अनिष्ट हुआ तो रोना शुरू कर दिया, हमारा गया बोल के। क्यों? वो उसको तत्वज्ञान नहीं है, विवेक का सम्यक जागृति नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर तत्वज्ञान संपूर्ण जागृत हो जाए, तत्व में सुप्रतिष्ठित हो जाओ, तब देखोगे दुनिया में कुछ भी हो रहा है हमारा कुछ लेना देना है नहीं। समझा मेरा बात? कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, व्हाट इट कंसर्न टू मी, हमारा क्या है, हमारा क्या है, क्या आता जाता है, कुछ भी करो, हमको अपमान कर लो, हमको सम्मान करो, हमको कुछ भी करो, बाहरी दृष्टि में हमारा आत्मा का ऊपर को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आत्म तत्व वस्तु में जो प्रतिष्ठित है उसको तुम यू कैन नॉट मेक फूल ऑफ हिम, उसको बोका बनाना संभव नहीं, यही नियम है। तो जो है रीति अर्थम जत प्रतीत न प्रतीत स्वात्मनि तद विद्वाद आत्मानुमयम यथावास यथातम। नाउ क्वेश्चन इज दैट, प्रश्न ये है कि आप बोल रहे हैं कि माया का द्वारा मोहित होकर जीव गलत रास्ता पे जा रहा है, वो प्रपंचों का जितना सारे रिलेशन है, जिसका साथ आपका रिलेशन बन के बैठा हुआ है, बनाया ना, ये मेरा पिता, ये मेरा माँ, ये मेरा स्वामी, ये मेरा भाई, ये मेरा पुत्र, ये तो संबंध बनाए, अब सारे के सारे झूठा है महाराज। हम अगर बोलने जाए तो बोले हम कथा नहीं सुनेंगे, तो विचार को सुनो। पहले आप बोलोगे माया क्या चीज है, आप जो बार बार बोल रहे माया का द्वारा, माया का द्वारा प्रभावित होकर, माया का द्वारा प्रभावित होकर आपका हृदय में एक पर्दा गिर दिया, पर्दा गिर गया और ठाकुर जी को कवर कर दिया, पर्दा गिरा दिया, जैसे थिएटर हो रहा है, जब सीन चेंज होगा तो पर्दा हो गया, अंदर में सब चेंज हो गया सिनारी, उसके बाद पर्दा खोल दिया, अब देखो अब फिर ऐसा एक पर्दा आपका आंखों के सामने डाला गया, इट्स जस्ट लाइक ए स्क्रीन। और पर्दा जब माया का हटाया जाए, जब गुरु वैष्णव आपको परफेक्ट कृपा, वास्तव कृपा कर दे, माया का पर्दा हटा दे, जैसे अभी ब्रह्मा जी को ठाकुर जी बोला, ए देखो जवान हम जथा बाबा यद रूप गुण कर्म कहा तथई तो विज्ञान मुस्तुत हम, हाँ देखो पर्दा हटा दिया, अब देखना शुरू कर दिया। जब तक पर्दा रहे तो देखोगे कैसे, इस पर्दा का नाम है माया, ये बैरियर है, आपको सच्चा वस्तु का साथ आपका कंटैक्ट करने नहीं दे रहा, आपका साथ जो कंटैक्ट होनी चाहिए ये कंटैक्ट हो नहीं पा रहा है, इसका कारण एकमात्र है बैरियर, ये माया। इसका बारे में कुछ दिन पहले भी हम बताया था, एक शीशे का डब्बा में आप पद्म मधु को रख दो, उसका जो खुशबू है चारों ओर फैलेगा, तो देखोगे मधुमक्खी भाग क्या है, और वो जो डब्बा है उसका जो घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका स्मेल है बड़ा सुंदर, लेकिन वो शीशे के ऊपर बैठ के ऐसा ऐसा खाने के लिए इच्छा हो, उस लेने के लिए, लेकिन वो मधु का साथ, वो जो सेहत है पद्म मधु, इसका साथ उसका कंटेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? ग्लास इज द बैरियर, शीशा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक बैरियर है, शीशा है, इसलिए आपका वो मधुमक्खी का साथ वो तो ऐसा ऐसा कर रहा है, लेकिन उसका साथ टच नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें बैरियर है। बस ये दो एक उदाहरण हम दे दिया, बुद्धि है तो
हमारा वृंदावन में कथा चलता है ऐसा, वृंदावन में ऐसा संत समाज में कथा चलता है, समझदार आदमी के लिए इशारा काफी है, समझदार आदमी के लिए इशारा काफी है और बुद्धू आदमी के लिए कुछ नहीं। अब सोच लो माया क्या है, माया का थोड़ा व्याख्या हम कर दिया, फिर भी अगर बोलो एक डिफिनेशन दे दो महाराज, वो तो उदाहरण दिया, तो ऐसा कोई शब्दों के द्वारा उसका डेफिनेशन दे दो कि हम हृदय में विचार करें बाद में बैठ के, तो उसका डेफिनेशन क्या है, कुछ शब्दों के द्वारा तो व्याख्या करो, ये तो उदाहरण दे दिया ऐसा है ऐसा है। तो इसका उदाहरण उसका जो व्याख्या है भक्तिमनी ठाकुर जी ने सुंदर बताया, भक्तिमनी ठाकुर बताया कि माया किसको बोला जाता है। एक तो हम बोला सिर्फ माया बोले तो जुग माया समझोगे, और महामाया बोले तो ये जगत का जो माया जिसके द्वारा आप मोहित होके चल रहे, हम लड़की है वो लड़का है, ये बूढ़ा है बच्चा है, ये हमारा नहीं है, हमारा लड़का नहीं है, हमारा लड़का, ये सब बुद्धि आपन पर जो भेद बुद्धि ये माया देवी ने आपका अंदर में करा दिया, आ इसी को लेके पूरा जिंदगी चलो, सिर्फ ये जिंदगी नहीं दूसरा जिंदगी में तुम्हारा ये प्रभाव रहेगा, क्योंकि तुम गुरु वैष्णव के पास गया नहीं, आश्रय लिया नहीं, आश्रय लिया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मरे अकारण। जब आश्रय जो शेल्टर लेना ये अगर 100% परफेक्ट हो जाए तो जिमारा जिंदगी में कोई बात शेष नहीं रह जाएगा, पूरा पूर्ति हो जाए, लेकिन वो जो शेल्टर लेना आश्रय लेना सबसे बड़ा, इसमें ही मिलावट है। वही आश्रय लेने वाला, आश्रय लेने वाला जो बात है इसी में ही आपका मिलावट है, गलती है, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा, तत्व ज्ञान नहीं हो रहा है, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, समझा मेरा बात, आश्रय में गलती हो गया। परफेक्ट आश्रय लेना चाहिए। जो एक उदाहरण हम देते हैं कि बंगाल में अक्सर मिदनापुर में कोई जगह ऐसा होता है कभी कभी, बल्कि कैसा भले बरसा वो सोया हुआ है, माता जी बच्चा सब सोया हुआ घर में, अचानक जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC उसका जो बैरेज है वो टूट गया, एकदम इतना बारिश इतना पानी हुआ, वो ब्रिज वो जो ये जो है जो डंप जो है डंप टूट गया, तमाम पानी आना शुरू कर दिया, और बच्चा सोया हुआ है मां सोया हुआ सारे पानी के दर जा रहा है, गरीब बाप बच्चा जा रहा है पानी से, मां जा रहा है, कौन किसको रखा करे। ये हम उदाहरण दिया कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो देखा है वो जानता है, ये फ्लड जब आता है ना ये उसका जो करंट है उसमें सब जा, कौन किसको रखा घर, स्वामी जा रहा है आप बीबी जा रहा है उसका बच्चा जा रहा है, कौन किसको, चिल्ला चिल्ला कर हाहाकार सब फ्लड आया और जा रहा है पानी से एकदम सब मर गया। और किसी आदमी को अगर ऐसा सौभाग्य हुआ कि पानी का जो करंट है उसमें जा रहा है, जाते जाते अचानक हुआ क्या, एक बटवृक्ष का एक जो ये सीकर है वो लटक रहा था, उसको पकड़ लिया ऐसा करके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो हम बता रहे हैं, ट्राई टू फील इट, हृदय में इसका अनुभव करो तो कुछ दिखेगा। वो तुरंत उसका अचानक बुद्धि आया, इसको पकड़ लिया, बस पकड़ लिया तो कारण जा रहा है, वो उसको पकड़ के ऊपर में आया और के बोला ठाकुर जी हमारा जान बच गया, ऐसा करके पकड़ा कि वो जान जाए तो उसको छोड़ेंगे। ये जो हम उदाहरण दिया करीब करीब जाए, इट इज ऑलमोस्ट जा रहा है, लेकिन ये भी एग्जैक्ट उदाहरण नहीं हुआ, ये भी हमने बोला ऑलमोस्ट, हम ऐसा बोला ऑलमोस्ट, ये उदाहरण करीब करीब जा पाएगा, नॉट 100% परफेक्ट। जो लोग सदगुरु वैष्णवों के सामने रो रो के आश्रय लेता है उसका क्या हालत है, That you cannot feel now. उसका अनुभव तुम्हारा हृदय में आया नहीं, और ठाकुर जी का कृपा होता आ सकता है। अब सोचो मरने का साइम में जब आदमी सहारा लेता है, एक है अंग्रेजी में एक बात है सुंदर, a drowning man catches at a straw, है ना, मरने वाला आदमी एक खड़ है उसको भी पकड़ के जीना चाहता है। तुम्हारा जिंदगी में अगर ऐसा हालत हो जाए तो ये समझ लो तुम्हारा आश्रय लेना पक्का हुआ, नहीं तो बेकार, आश्रय लो, आश्रय अगर परफेक्ट हो गया, कृष्ण का हिम्मत नहीं है तुमको इस जगत में फेंक के रखे, कृष्ण तुमको लेके ही जाएगा।
नहीं तो एक गारंटी दिया है, आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे आर सब मर्याकार। जिसका जिंदगी में आश्रय परफेक्ट हुआ 100%, किसी का बाप का हिम्मत नहीं उसको रोके, वो जाएगा ही ठाकुर जी का पास, ठाकुर जी का पास हो जाएगा, उसको ठाकुर जी लेके जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी का जो शरणागति अभी देखे हो, अभी जो उदाहरण चल रहा है इधर चतुर्श्लोकी भाग, ये भी तो एक्सलेंट उदाहरण है। ब्रह्मा जी शरण में आए, बोले कैसे, जब तक ब्रह्मा जी अपना पावर का ऊपर डिपेंड किया तब तक तो ठाकुर जी कृपा नहीं किया, किया जब तक ब्रह्मा जी अपना क्षमता पावर का ऊपर डिपेंड किया कि हम देख लेंगे मैं कौन हूं, तब तक तो नहीं हुआ, नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, कुछ नहीं हुआ। अब ब्रजलीला आप सुनोगे, ब्रजलीला वृंदावन का लीला, वहां भी ब्रह्मा जी ठाकुर जी को परीक्षा लेने आए। ये क्या नंदो का छोड़ा है, ये नंदो का छोड़ा है क्या, नंदो का छोड़ा है तो क्यों झूठन क्यों खा रहा है, इज अ सुप्रीम लॉर्ड साक्षात परात्पर अखिलेश, झूठा खा रहा है, झूठन खा रहा है तो शायद वो ठाकुर जी नहीं है। तो अच्छा ठीक है ठाकुर जी है तो परीक्षा ले ले, परीक्षा लिया था, इसका प्रसंग आएगा तो सुस्कंद में। बाद में रो रो कर ब्रह्मा जी गिर पड़ा, ठाकुर जी मेरे को मेरा खड़ा करो, हमको क्षमा करो आप, जो हुआ तो हुआ, हम कान पकड़ते आप कभी नहीं करेंगे हैं। ज्ञानी प्रयास मुदवास नमंति एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वर्ताम स्थने स्थिता श्रुतिगतम तनुवांग मनोभी। ये जो श्लोक बताया जो तो दसवें स्कंद में आएगा, ब्रह्मा रोते रोते बताया हमारा हिम, हम जो साहस किया इसको क्षमा करो। जैसा बच्चा है, जैसा बच्चा मैया का कोक में है, अभी जन्म नहीं हुआ, जन्म नहीं हुई अभी, और बच्चा कोख में है, कोख में बच्चा ऐसा ऐसा करता है कभी कभी, मैया का बड़ा दुख होता है तो मैया को भी गाली देता है, क्यों मर रहा है बोलता है, बच्चा है अंदर में, पेट का अंदर में है, अभी जन्म नहीं भाई। तो ऐसा उदाहरण ब्रह्मा जी दिया, ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी हम तो बच्चा है, गर्भगत जो मैया गर्भगत अवस्था में मैया तो बच्चा जो हाथ पैर का संचालन करे पैर तो लग जाता मैया, तो मैया तो दोष नहीं लेती है, लेती है तो क्षमा कर देते हैं, ऐसा आप मेरे को क्षमा करो, हमने अपराध कर दिया, हमको क्षमा करो बच्चा जैसा। ब्रह्मा जी बोला ज्ञानी प्रयासम, अब हमारा बुद्धि लगाने का कोशिश नहीं करें हम, हमारा चारों, आपका तो एक ब्रेन है एक माथा, ब्रह्मा का चार ब्रेन है, चारों इकट्ठा करके ठाकुर जी का तत्व का कोई अनुसंधान नहीं मिला, आपका तो ब्रेन एक है वो भी छोटा ब्रेन है, ब्रह्मा का चार माथा है, चार माथा का, चार माथा का कितना बुद्धि होता है, वो भी ब्रह्मा जी है, वो उसको भी बाजी लगाकर, बाजी चैलेंज लगाकर कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद बोला हमारा आप कभी नहीं बोलेंगे, हमारा ज्ञान को यूज करके तुम्हारा तत्व के बारे में जानने का कोशिश कभी नहीं करें, यही तो है। तो अभी विचार आता है माया का डेफिनेशन दे दो, हम सुनना चाहता है माया का डेफिनेशन सुने, उसके बाद थोड़ा व्याख्या सुने, और ईश्वर का रीति अर्थम जत प्रत्यय तो न प्रत्यय तो बोलने से होगा नहीं, पूरा वेदांतों का सारी टुक टुक थोड़ा थोड़ा बहुत, क्योंकि ज्यादा बोलने का टाइम भी नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया कि माया का डेफिनेशन सुन लो, माया का डेफिनेशन सुन लो, माया का डेफिनेशन क्या है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, ध्यान से सुनना, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया भगवान का स्वरूप शक्ति वास्तव शक्ति, एक शब्द है भगवान का स्वरूप शक्ति है वास्तव शक्ति, भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है लेकिन वास्तव में नहीं है, हैं वही है माया शक्ति। अब क्या समझा, बांग्ला में कोई एमए किया होगा, संस्कृत में कोई तो किया होगा, इधर है तो बताओ इसका माने, माने क्या समझा, भगवान का स्वरूप शक्ति शक्ति, भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है लेकिन स्वरूप शक्ति नहीं रहने से जो शक्ति का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, उसका नाम माया शक्ति। दोबारा बोला, फिर थर्ड टाइम बता रहे, तीन बार, अब तीन बार हम बता रहे, अब याद करके बोलो मेरे को माने बोलो इसका मीनिंग क्या हुआ। बोले भगवान का स्वरूप शक्ति ही है वास्तव शक्ति, भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है
और जो स्वरूप शक्ति नहीं रहने से इस शक्ति का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता उसका नाम माया शक्ति। अब बताओ, तीन बार बताया, उसका माने कुछ की समझ में आया? आया किसी का? नहीं आया। क्यों नहीं आया? बांग्ला है, सिंपल बंगाली, और हिंदी है, बांग्ला में बताए भगवान स्वरूप शक्ति शक्ति, भगवान स्वरूप शक्तिर बाहरे जो शक्ति आछे बोले मन है, स्वरूप शक्ति ना थकले जे शक्तिर कोनो अस्तित्व थके ना तार नाम हलो माया शक्ति, बांग्ला में बताए, दोनों बताए। आप बताओ इसका माने क्या? बोले मारा समझ में आया नहीं, धीरे से शांत हो जाओ विषय छोड़ के, तब समझ में आएगा। वेरी सिंपल इसका माने। पहला बात तो ये है, भगवान का स्वरूप शक्ति शक्ति वास्तव, इसका माने क्या है? पहले ही बताया हुआ, भगवान बोले हमारा जोग माया शक्ति वही तो हमारा शक्ति है, भगवान का जो शक्ति है जोग माया वो तो नित्य धाम में है, वही तो वास्तव शक्ति, उसका जो रिफ्लेक्शन इस जगत में माना ये है छाया शक्ति, उसका नाम है दुर्गा, जिसका पूजा करते हो वो धूमधाम करके दुर्गा देवी का। आप दुर्गा देवी का पूजा करें वो लोग जानता नहीं, बोले महाराज चांदा देना पड़ेगा, हम चांदा किसको दे, हमारे सामने कोई आता नहीं, किसी मठ मंदिर में जगह महाराज चांदा मांगने आता है, हम बोले हमारा साथ बात हो जाए तो चुप हो जाए, बोले चांदा मांगने, हम बोले पहले बोलो दुर्गा तत्व तो बोलो, दुर्गा कौन है, बोले महाराज उतना नहीं जानते तो पहले बताओ क्यों दुर्गा पूजा करोगे, क्या फायदा है आपका? कोई व्यक्ति करे वो पागल है तो वो बोलेगा हम पागल है, हैं? कोई बुद्धिमान आदमी कुछ भी करे उसका पीछे तो कोई रहता है टारगेट, तो आपका दुर्गा पूजा का पीछे क्या टारगेट है बताओ, उसका मकसद क्या है, वो बता नहीं पाता। हम बोला देखो अगर आपको सही ढंग से पता चलता दुर्गा पूजा क्या है तो दुर्गा पूजा को फेंक के और भागता, बोले क्यों महाराज ऐसा? और दुर्गा देवी का हाथ में सूल देखा, सूल हाँ देखा, खूब देखा दुर्गा देवी के हाथ में सूल, वो आप लोगों का लिए ही है तो आप पूजा करोगे? अरे महाराज क्या बताया, हम ठीक बताया, वो जो दुर्गा देवी सूल पकड़ के रखा है फॉर यू ऑल, हमारा लिए नहीं है, वो आपका लिए है, बोले हमारा लिए है, आप आपका लिए नहीं है, असुर का लिए, बोले वो तो असुर का लिए, आप तो असुर ही हो, असुर नहीं हो, हम भी सिद्धांत तो विचार करके देखे, सुर और असुर दो है ना, असुर कौन है, असुर कौन है, विष्णु भक्त भवे दैव असुर अस्तत विपर्जय, आप विष्णु को मानते नहीं हो, बोले ये क्या है विष्णु विष्णु पूजा करे, अरे गौरांगों का धाम है गौरांग बापू, यहां तुम दुर्गा पूजा कर रहे हो, करो जो है। ब्रह्म संगीता में सुंदर श्लोक है, सुंदर दुर्गा तत्व का बारे में, कौन सुने? लेकिन ये जो बात हम बताया, ये दुर्गा देवी जो है वो जोग माया जब ये जो आप दुर्गा देवी का पूजा करते हो, सेम ये चीज हमारा वृंदावन में है, कात्यायनी देवी सेम, अब जाके देखो असुर है सिंह है सब कुछ एक, लेकिन ये कात्यायनी देवी जो है, कात्यायनी देवी जोग माया, जिसका बारे में गोपियों ने अर्चन करके हेमंत महीना में अर्चन करके बता, कात्यायनी महामाई महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सूतम देवी पोतिंग में कुरुते नमः, ये जो विचार आएगा भगवान श्री कृष्ण का लीला आएगा दसम स्कंद में देखो, ये गोपियों ने बैठकर अर्चन की सारे मिलकर, किस किसका? कात्यायनी देवी अंतरंगा शक्ति है ना, जोग माया शक्ति, उसका अर्चन की, और बहिरंगा शक्ति है दुर्गा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वो जस्व भुवनानी विवर्ते दुर्गा, है ना, ब्रह्म संगीता का पूरा बोला हुआ है पहले, छाए वो जस्व इससे शैडो, अब हम बताए कि महाराज आप इधर खड़ा हुआ हो, सनलाइट आया, सनलाइट का जो मुंह करके खड़ा हो तो पीछे में आपका शैडो आएगा नहीं, कोई भी आदमी हम लाइट है हमारे पीछे देखो शैडो, शैडो है ना, शैडो है ना। इधर ऐसा ही उदाहरण है कि जोग माया वास्तव, जोग माया जो है वो वास्तव अंतरंगा शक्ति ओरिजिनल शक्ति, और जोग माया है इसीलिए इसका जो शैडो है इस जगत में पड़ा, इसका नाम है दुर्गा, समझ में आया आपका? जो वास्तव जो कात्यायनी है जोग माया, जोग माया है इसीलिए उसका शैडो पीछे में आया उसके इस जगत में, वो शैडो को आप दुर्गा मन के चल रहे हैं, वो दुर्गा छाए वो जसो भुवनानी विवर्ती दुर्गा, विवर्ती दुर्गा
छाए वो छाया जैसा, छाया जैसा ये जगत में पड़ा और उसी को अब दुर्गा मान के खूब पूजा कर रहे हैं। सूरत राज महाभारत में आता, सूरत राजा दुर्गा पूजा किया था, और कई उदाहरण है सब। ये जो है आपका जो विषय है बड़ा सोचने वाला बात है। तो भगवान का जो धाम है, नित्य धाम है, उधर भगवान का नित्य शक्ति जो योग माया है वो अंत रहता है, और योग माया के द्वारा क्या क्या विषय होता है उधर, अनंत विषय योग माया के द्वारा। भगवान का कोई भी लीला विदाउट योग माया होता नहीं। भगवान का रास बोलो, कुछ भी बोलो, भगवान का कोई भी लीला, भगवान का योग माया का योग माया को छोड़कर कोई लीला हो नहीं पाता। रास लीला का परम भी पहले वाला योग माया समाश्रित, योग माया का आश्रय करके ठाकुर जी अब लीला शुरू की, योग माया रहता। और उसका जो शैडो है ये जगत में पड़ा, ये प्रपंच जगत जो है इसमें आप सारे जो वस्तु दिखाई पड़ता है आपका आंखों के सामने, ये इट इज अपेरेंट ट्रूथ, अपेक्षिक सत्य। काल इस विषय में हम चर्चा करेंगे, ट्रूथ रियल एंड अपेरेंट। इस विषय में प्रभुपाद जी एक तो पतला सा किताब लिखा था, ट्रूथ रियल एंड अपेरेंट, सच्चा दो किस्म का है, इस विषय में काल चर्चा करेंगे। तो देखो तो जोग माया उघर है, उसका शैडो ही है। तो हम तो यही तो व्याख्या किया, भगवान इस भगवान का सर्व शक्ति है, शक्ति सर्व शक्ति है, वास्तव शक्ति भगवान का सर्व शक्ति का बाहर जो सर्व जो शक्ति है बोल के महसूस हो रहा है, वास्तव में वो शक्ति नहीं रहने से इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता, उसका नाम तो सच्चा है। योग माया को हटा दो उसका शैडो भी नहीं रहेगा, है ना। अगर योग माया को हम हटा दें तो शैडो किसका पर है? रहेगा नहीं, इसी का तो व्याख्या किया बंगला। जोगमा नहीं रहे तो शैडो नहीं भरे, तो जोगमा कत्ता ही नहीं है, उसका शैडो इस जगत में पड़ा। आप धूप धाम से दुर्गा पूजा कर रहे हो और बुद्धि नहीं है आपका, दुर्गा पूजा क्या है, क्या तत्व तो है, किस लिए कर रहे हो, इस कुछ आइडिया नहीं है। तो ये जो है हम अभी अभी जो है विचार प्रस्तुत करेंगे, रीति अर्थम जत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि। तो मतलब ये दुनिया में जो वस्तु दिखाई पड़ता है इसका कोई त्रैकालिक एक्सिस्टेंस नहीं। मेरा बात ध्यान से सुनो, जो बड़ा विचार वाले हैं उसी का दिमाग में कृपा हुआ है, वो चिंता रह जाएगा, बाकी तो सुनेगा और चले जाएंगे घर को, बाकी आदमी का हृदय में नहीं रहेगा बहुत विचार। जो वस्तु दिखाई पड़ता है चारों ओर इसका कोई त्रैकालिक एग्जिस्टेंस नहीं है। भूत ध्यान से सुनना, भूत भविष्य और वर्तमान तीन काल है, तीन काल है ना, तीन टेंस ग्रामर में पढ़ते हो व्याकरण में, भूत भविष्यत और वर्तमान हैं। ये तीन कालों का बैकग्राउंड में जिसका कोई अक्सिस तो नहीं है, इस विषय में रो रहे जो सुख दुख आपका जिंदगी में मिलते रहते हैं इसका त्रैकालिक एग्जिस्टेंस नहीं। मेरा बात समझा नहीं, भूत भविष्यत वर्तमान तीन कालों का जो बैकग्राउंड है, इस तीन कालों का प्रेक्षापट में इसका कोई एग्जिस्टेंस है। अभी दुख है, बस दो घंटा बाद फिर सुख हो, दो घंटा बाद जो फिर सुख हुआ उसका बाद फिर दुख हुआ, ऐसा सुख दुख का जो खेला है, ये जगत है सुख दुख का खेला। हमने उस दिन कीर्तन बताया था ना, राम नाम तू भजले मनवा, भवसागर तू चर तर जाएगा, हैं बताया था ना उस दिन। मुट्ठी बन के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। कृष्ण नाम तू भजले मनुआ, भवसागर तू और तर जाएगा, अब कौन करे। तो ये जो तीन काल विचार करके देखो, भगवान इसी बात को गीता में सुंदर बताया, क्या जे ही संस्पर्श जा भोगहा दुख जन एवते आद्यंत वंत कंत्य नौतेषु रमते बुधा, दोज हु आर रियली इंटेलिजेंट दे नेवर गो फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट। जो वास्तव बुद्धिमान है वो जगत में जो भोग मिलता है उसका भोग के लिए व्यस्त नहीं होते, होते हैं कभी किसी भी हालत में रखो, एक अवस्था है। ठाकुर जी ने गीता में बताया कि जो तुम्हारा सुख दुख जो मिलते रहते हैं ओसिलेटिंग फैक्टर, जैसे पेंडुलम वाला घड़ी था पहले ऐसे ऐसे, देखा पेंडुलम वाला घड़ी,
हम लोग तो पेंडुलम का ऊपर मैथमेटिक्स भी किया है, अब तो पेंडुलम पेंडुलम जो है पेंडुलम का मापी घूमते रहते, कभी सुख कभी दुख, ऐसा ऑसिलेटिंग फैक्टर। इसी अवस्था जो है गीता में भगवान बताएं कि सुख और दुख जो है अभी है, अब अभी नहीं है। तो इसका लिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी प्रचेष्टा प्रयास प्रचेष्टा नहीं लगाते, नहीं लगाते ये। तो ये जो है आपका ये त्रैकालिक अस्तित्व नहीं है, तो इसका मतलब है ये नित्य नहीं है। त्रैकालिक अस्तित्व नहीं है इसका मतलब क्या है, नित्य नहीं है, अनित्य। तो अनित्य विषय पर ध्यान नहीं देना, जब भजन करने के लिए आए हो अनित्य वैसे बात सुंदर लड़की है, वो सुंदर लड़का है, ये सुंदर खाना पीना है, ये अनित्य वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। स्वप्न जैसा देखना, सपना जैसे देखता है कुछ नहीं है, ऐसा विचार करना। तो ये जो है रीति अर्थम जत प्रतीयत न प्रतीयत स्वात्मनि, अर्थात जो प्रतीति आपका हृदय में आ रहा है सुख दुख का, वो जो जो घटनाएं हैं उसका जो प्रभाव इन्फ्लुएंस जो आपका हृदय में आ रहा है ये होनी नहीं चाहिए। क्यों हो रहा है, बोले इसके कारण है माया। माया का व्याख्या कर दिया, थोड़ा सा हो गया ना, माया का थोड़ा बहुत व्याख्या किया हो गया। और माया का विषय में वास्तव ज्ञान होगा जब साधु गुरु वैष्णव का पूर्ण कृपा हो जाए, तब तक नहीं तो नहीं होगा। जितना भी प्रवचन सुनो अगर कृपा नहीं लिया पूरा तो होगा नहीं। तो ये जो है अब मायावादी लोग का साथ हमारा विचार को थोड़ा स्थापन करना चाहिए। हमारा विचार क्या है, मायावादी का, मायावाद का विचार को ना उठाए तो कभी भी आपका मन जो है मायावाद में चला जाएगा। हम ये अगले दिनों में सब विचार करेंगे। माया जय करने के बाद क्या करोगे, माया जय कर लिया, माया जय करने के बाद देन उसके बाद क्या करोगे बताओ, ये सब विषय हम चर्चा करेंगे अगले दिनों में। मायावादी लोग बोलते हैं कि ये प्रपंच जो है वो कुछ भी नहीं, वो बोलते हैं जगत है ही नहीं। मायावाद का विचार हम उठा रहे, शंकर भाष्य जो है उसका थोड़ा बहुत विचार करें। और वास्तव जो वेदांत है जो स्टैटिस्टिक वेदांत है ये विचार जो है मायावाद वेदांत विचार जो है शंकर भाष्य उसमें है, महाराज जगत है ही नहीं, जगत है ही नहीं तो किस बात की दुख का सुख। वो ठीक है, बोले जगत है ही नहीं, बोले जगत है ही नहीं, बोलना बोलो ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म विचार से सुनो, जो पढ़ा लिखा भी इधर शायद कोई होगा एक आध, बोले ब्रह्म वस्तु माया का अंदर माया का प्रभाव में आकर विकृत हो गया, होके सारे ये सब जगत प्रपंच बना के रखा है। ध्यान से सुनना, माया का प्रभाव में ब्रह्म आकर, ब्रह्म वस्तु जो है, ब्रह्म वस्तु माया का प्रभाव में आकर फंस गया और फंस के ये जगत का जो स्वरूप है जो दिख रहा है ये हो रहा है। माया विकारग्रस्त हो गया, ऐ ब्रह्म विकार वस्तु, ब्रह्म विकारी, ब्रह्म विकार हो गया, होके ऐसा सब प्रपंच बना के रखा, ब्रह्म विकार हो गया होके ऐसा बन के है। वास्तविक ब्रह्मो अहम ब्रह्मस्मि, हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म है, सारे दुनिया ब्रह्म है, ब्रह्म छोड़ के कोई है ही नहीं, ब्रह्म छोड़ के कोई है ही नहीं, प्रपंच कहाँ है, कुछ नहीं है। बोले माया का प्रभाव में आकर ये जो ब्रह्म वस्तु विकृत हो गया और विकार प्राप्त होके प्रपंच निर्माण। श्रीमान महाप्रभु जी ने वाराणसी क्षेत्र पे प्रकाशानंद सरस्वती का पास साथ चर्चा करते हुए इस बात को उठाया था। ध्यान से सुनना, महाप्रभु का साथ वहां का जो मायावादी वेदांती है उनका साथ चर्चा हुआ था। महाप्रभु कृपा की है, बड़ा भारी कृपा की। महाप्रभु बोले ये कैसे बात कह रहे हैं आप, कह रहे हो कि ब्रह्म वस्तु विकारी है, ब्रह्म वस्तु निष्कलम निष्कलम अनंतम अशेष भूतम निष्कल, निष्कल मतलब निष्कलम को निरंजन, ब्रह्म वस्तु क्या है, ब्रह्म वस्तु का डेफिनेशन देने जाओ ये शब्द छोड़ के क्या क्या शब्द आए, निरंजन है आएगा ना, विभू है, यही तो शब्द आएगा, विभू ऐसा आएगा। तो ब्रह्म वस्तु यह व्यापक है,
ये ब्रह्म वस्तु विकार प्राप्त कैसे संभव है, जो नि, जो नि, नि, जो निष्कलंक है, जो जगत का किसी भी प्रभाव के द्वारा प्रभावित नहीं होने वाला, नोबडी कैन इन्फ्लुएंस पुट इन्फ्लुएंस, ब्रह्म वस्तु ऐसा है, निष्कलम अनंतम अशेष भूतम अनंत ब्रह्म वस्तु। ये ब्रह्म वस्तु माया का चक्कर में आकर फंस गया है, ये क्या कह रहे हो? महापौ कह रहे हैं कि महाराज ऐसा कैसा विचार कर दिया आपने। महापौ चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में बैठकर मायावादी लोगों का सामने बैठकर विचार प्रस्तुत किए, बोले आपका आचार्य है आदि शंकराचार्य जी, बोले आदि आचार्य शंकराचार्य जी आपका संप्रदाय में शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, किंतु शंकराचार्य ठाकुर जी का आदेश पालन किया, शंकराचार्य जी ठाकुर जी भगवान का आदेश पालन किया, हमारा आदेश लेके जगत में जाओ, जो कि मायावाद प्रचार करो, जैसे असुर लोग है वो मायावाद का विचार सुन के बाबा कितना सुंदर है तलिया लगाएंगे और मायावाद में फंस जाएंगे, हमारा भक्ति, हमारा भक्ति रूपी जो अमृत हम इन लोगों को नहीं देंगे, क्यों लोग असुर है। इसी बात का तो अमृत विभाजन का समय में आप बोलोगे ठाकुर जी कैसा है, ठाकुर जी देवता लोगों को अमृत दे दिया, लोग दिया नहीं, ठाकुर जी बड़ा उसका ठाकुर जी बड़ा बेईमानी किया, नहीं असुर लोगों को देनी नहीं चाहिए अमृत, कैसे दे, इस बात को हम विचार किया था ना, बहुत बार बोला कथा बोलते बोलते दो एक बार बोला ना, वही पृत्ता खीरम बमति गरलम दुस्सहोत्तरम, बोला ना सांप क्या करता है, बहुत दूध को पान कर लेते, दूध का लाखूब दे दो सांप को, फायदा क्या हुआ, व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट, और इतना दूध खाके आपको बीसी तो देगा, क्या निकले, सांप को खूब खा खिलाओ दूध, दूध और कला खिलाओ, अंतिम में सांप आपको बीसी तो देने वाला है और क्या देगा, उसका बाद है ही कुछ नहीं, बीसी है। तो ऐसा जो है शंकर भगवान जी साक्षात शंकराचार्य का रूप में आया, शंकर साक्षात शंकर, हमारा शास्त्रों में विचार है शंकर साक्षात शंकर, शंकर कौन है, वो जो शंकर भोले बाबा है, शंकर भगवान वही है शंकराचार्य, शंकराचार्य का रूप पकड़ कर आए और जगत में मायावाद भाष्य शरीरक भाष्य, शरीरक भाष्य भगवान का जो ब्रह्म वस्तु ही है, और ठाकुर जी का नित्य कोई स्वरूप नहीं है, सब बेकार, साधो का नाम हिताथायो ब्रह्म रूप कल्पना, साधो का नाम हिताथायो, साधक लोगों का सुविधा का लिए ब्रह्म रूप कल्पना किया गया, वास्तविक भगवान का नित्य स्वरूप कुछ स्वरूप नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो एकदम जब चैतन्य लीला शुरुआत हुए हमारा नवद्वीप धाम पे, जब निमाई था, महाप्रभु का नाम निमाई, निमाई के जब निमाई रूप से थे, निमाई गौरांग, तब महाप्रभु एक दिन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे है बेटा वाराणसी में वो बेटा प्रकाशानंदो मायावाद भैस मायावादी वेदन तो व्याख्या कर रहा है, वो मेरा शरीर को खंड खंड कर रहा है, काशीते काशीते प्रकाशानंदो बेटा पराय वेदांतो, काशीते प्रकाशानंदो बेटा पढ़ाए वेदांतो, से ही बेटा करे मोर अंग खंड खंड, काशी में एक प्रकाशानंद बोल के एक पंडित है, वो पंडित तो नहीं है, शास्त्रों का विचार पंडित हो ही नहीं सकता, पंडित का विचार पंडितो बंधमक्षबित ये सब आएगा, तो पंडित तो आपका विचार में पंडित हो सकता, ये ठाकुर जी का स्वरूप का कहने, वो जितना भी संस्कृत पढ़ ले वेदांत पढ़ ले कोई फायदा नहीं, कहीं भी कुछ भी पढ़ लो कुछ नहीं होगा, ठाकुर का स्वरूप ज्ञान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि वाराणसी में बेटा प्रकाशानंदो वेदांत तो पढ़ा रहा है, वो वेदांत तो नहीं पढ़ा है, वो मेरा शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, मेरा सच्चिदानंद रूप है, मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको टुकड़ा टुकड़ा करता है, बोले ठाकुर जी का कोई रूप नहीं है कुछ नहीं, अरे राम राम। जब देवी मैया जो कत्तायनी उसका बारे में चंडीभट में आता है, आनंद महिमा है ना, चंडीभट सुने हो नहीं सुने हो, आनंद महिमा ये आपका माफिक नहीं है,
वो कहता ही नहीं आनंद महिमा, उसका स्वरूप आनंद है, लेकिन आप बोल रहे हो माया, आपका लिए माया आनंदमय स्वरूप जो है आनंदमय। और जो है विचार, मायावादी लोग ऐसा बोलते हैं भगवान का कोई नित्य स्वरूप नहीं, कुछ नहीं है भगवान। और वेदांतों से दो तीन दो चार बात को उठाया, अहम ब्रह्म अस्मि सर्वम खलिदम ब्रह्म इत्यादि बोला है, ये सब बात को उठाकर शंकराचार्य जी ने बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्या किया। देखो अहम ब्रह्म अस्मि ये जो है ये मायावाद है, ये विचार किया। सर्वम खलुदम सर्व खलु सर्वम इदम खलुदम खलु खलु इदम ब्रह्म है, ये सारे जगत जो है निश्चित ये ब्रह्म वस्तु है, तुम भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूं सब है, सारे ब्रह्म है। अब तो कौन किसके भजन करे, हम ब्रह्म है तुम ब्रह्म है गुरु जी भी ब्रह्म है तो किसका भजन करे, ओ बेकार है, बेकार है ना। गुरु जी का स्वरूप भी ओ ब्रह्म वस्तु है, हम ब्रह्म दोनों ही ब्रह्म है कि कौन किसको भजन करे। तो गुरु जी का भी उसका जो गुरु ग्रहण का जो प्रोसीजियर है ये भी बड़ा फैंटास्टिक, हंसी आएगा हो करके हंसी। शंकराचार्य को व्याख्या कभी गुरु तत्व का व्याख्या करे शंकराचार्य को हंसते रह जाओगे, बोले ऐसा व्याख्या क्यों ना। महाप्रभु बोले देखो ठाकुर जी का दो स्वरूप ही है, एक तो ब्रह्म स्वरूप है एक तो नित्य स्वरूप है। जो ब्रह्म स्वरूप भी नित्य है, ये भी भगवान का जो राम स्वरूप है निशिंग स्वरूप है कृष्ण स्वरूप है वो नित्य धन में है, ये अनित्य नहीं है। ऐसा नहीं कि साधो कानंग हितार्थायो ब्रह्म रूप कल्पना, ब्रह्म रूप कल्पना कर दे और आप लोग जैसे कहते आ सरस्वती मैया को ले आओ पूजा करो बाद में फेंक दिया जा सरस्वती माँ हो गया। हमारा सरस्वती तुम्हारा का माप तुम्हारा मापिक नहीं है बोका, तुम पूजा करते हो जड़ जगत का सरस्वती, हम पूजा करते हो अपरागित सरस्वती चिन्मय सरस्वती। विष्णु प्रिया देवी ग्रंथों बांग्ला में निकला 6 साल पहले 6-7 साल पहले, उसमें मैं ये सब तत्व को उठा के दे दिया, छाया सरस्वती वास्तव सरस्वती सब आप पूजा करके लेके कोई जलाशय में फेंक दूंगे। हमारा सरस्वती जो है फेंकने वाला नहीं है और दिल में रख देंगे जिंदगी भर, आपका लिए तो फेंकने वाला सरस्वती है मेरा लिए फेंकने वाला नहीं है। बागी सजस्य बदने लक्ष्मीर जस च बक्षसी, वह है ना बाग ईशा जस्य बदने, नृसिंह भगवान का जवान पे सरस्वती है वो सरस्वती मेरा पूज्या, आपका सरस्वती मेरा पूज्या नहीं। आपको पढ़ो खूब डिग्री ले लो, डिग्री लेके क्या करोगे, अंतिम में तो मरना ही है। जितना भी डिग्री हासिल कर लो कुछ नहीं होने वाला, बड़ा बड़ा डिग्री हासिल कर लिया फॉरेन में लड़का को पढ़ाया इतना सुंदर इकोनॉमिक्स के ऊपर डिग्री लिया कि इंडिया से पूरा पता चल गया ये लड़का आ रहा है इंडिया में, हमारा ही देश का है डिग्री लेके। एक एक कंपनी बड़ा बड़ा ऑफर दिया, हम आपको 2 लाख रुपया देंगे हर महीना, एक बोलता हम 2.5 लाख रुपया देंगे हमारा कंपनी में ज्वाइन करो। और बाद में वो लड़का तो आया मैया लो बड़ा डिग्री लेके आया फॉरेन से, पिता माता नाचना शुरू कर दिया और कंपनी लोग भी ऑफर दिया हमारा कंपनी ज्वाइन करो का 2.5 लाख मिलेगा, 2.5 लाख इतना फैसिलिटी दे देंगे आपको। तो लड़का तो आया और घर में रहा 2-4 दिन, उसका बाद ही उसका ऐसा सेरिब्रेरल स्ट्रोक हो गया पूरा ऐसा क्रिपल ऐसा हो गया, लाखों रुपया खर्चा कर दिया कुछ नहीं हो पाया। बोलो ये ब्रेन नॉर्मल नहीं होने वाला और सारे कंपनी जो 2.5 लाख रुपया देने वाला था है अब ऑफर करेगा है, डिग्री तो वही है, द डिग्री इज देयर विथ यू बट स्टिल दे कैन नॉट ऑफर यू दैट अमाउंट माइंड इट। लेकिन ये जो ज्ञान हम बताने के लिए बैठे हैं गुरु जी का कृपा से, ये ज्ञान आपका आत्मा का साथ रह जाने वाला ज्ञान है, कोई भी मिटा नहीं सकेगा। गुरु जी हमको बोला था तुम ऐसा संपत्ति बेटा लेना है जो संपत्ति किसी मार के तुम्हारा पास से ले नहीं सकेगा, किसी संपत्ति ऐसा करो ऐसा संपत्ति जो हिंसा करके तुम्हारा सब मार के ले लेगा पीट के छीन लेगा, ऐसा संपत्ति मत लो। ऐसा संपत्ति हृदय में लाओ जो संपत्ति दुनिया भर का आदमी का काम पे आ जाए और तुम्हारा भी जिंदगी भर अनंत काल इन्फिनिटी पीरियड उस संपत्ति तुम्हारा साथ रह जाए। ये एक छोटा सा उदाहरण इस मोर देन सफिशियंट आई थिंक, ये छोटा सा जो एग्जांपल हम दिया आप लोग इंटेलिजेंट है ये समझ सकते हो,
जड़ जगत का कितना भी ज्ञान आप हासिल कर लो बट ठाकुर जी का रियलाइजेशन नहीं आया तो मरो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जितना वेदांत पर लोग कुछ पर। तो महाप्रभु बोले जी आप लोग ऐसा सिद्धांत तो कैसे हृदय में लाए। शंकराचार्य जी ने बोला ये सारे ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, और ब्रह्म ठीक है, ब्रह्म वस्तु का आराधना करो, लेकिन ये प्रपंच जो है बेकार है, कुछ नहीं है, ये तो है आले जो कुछ नहीं है। शंकराचार्य के दर्शन में प्रपंच है ही नहीं, सब ब्रह्म स्वयं विकार प्राप्त होके ऐसा बन के बैठे हैं, वो अपने आप मोह प्राप्त हो गया, प्रपंच बोल के कोई है ही नहीं। लेकिन महाप्रभु बोले ऐसा विचार कैसे किया, ब्रह्म विकार प्राप्त हुआ? बोले हाँ विकार प्राप्त हुआ। नहीं महाप्रभु बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले तो आप विचार बताओ। महाप्रभु बताए ऐसा कैसे हो सकता, मेटेरियल जगत में जो टच स्टोन जानते हो, स्पर्श मुनि, बहुत हमारा सनातन गोस्वामी को मिला था, अकबर बादशाह की पता है, अकबर बादशाह भी जानते हैं स्पर्श मुनि। स्पर्श मुनि जिसका साथ स्पर्श करा दो वो सोने हो जाता, लोहा का साथ स्पर्श कराओ तो सोने हो जाता। तो महाप्रभु उदाहरण दिए जो स्पर्श मुनि स्पर्श करके लोहा परिवर्तन कर सकता है, लेकिन स्पर्श मुनि का खुद का कोई परिवर्तन नहीं है, होता है स्पर्श मुनि एक स्टोन है वो रह जाता है, लेकिन उसका साथ लोहे का टुकड़ा का स्पर्श कराओ तो ये सोने बन जाता, लेकिन स्पर्शमणि अपना स्वरूप में स्पर्शमणि रह जाता। और चिंतामणि तो और भी ऊपर का, जो चिंता करो तो हो जाता ना। और भागवत में आता है सामंतक मुनि बोल के एक मुनि का कहानी आएगा, बड़ा सुनने का लायक। सामंतक मुनि, वो सामंतक मुनि सूर्य देवता ये सत्राजित राजा को दिया था। ये जो सामंतक मुनि है वो अष्टभार सोना उगलने वाला था, रोज डेली सुबह में उठोगे देखो अष्टभार इतना सोना है, रोज वो मुनि रखोगे मुनि देखोगे सुबह में उठ के इतना सोना रोज डेली। आप बताओ कि सामंतक मुनि तो सामंतक मुनि है लेकिन वो सोने दे रहा है, लेकिन अपना कोई परिवर्तन नहीं है। महाप्रभु ने ये उदाहरण दिया, महाप्रभु ने सुंदर उदाहरण दिया कि कैसे हो सकता बोलो। जब जड़ जगत में ऐसा उदाहरण है जो एक मुनि लोहे का था स्पर्श कराओ तो उसका परिवर्तन करा के लोहे पे बदल सकता है, तो ये मुनि अपना स्वरूप में अविकृत हो जाता है इंटैक्ट, देन हाउ इज दैट पॉसिबल द ब्रह्मो विकार प्राप्त हुआ। ब्रह्म स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म वस्तु निष्कलंक है, वो विकार प्राप्त हो जाए, माया उसका बस में है कि माया का बस में ब्रह्म है, बोलो कैसा पुलिस है। ब्रह्मो का बस में माया है कि माया का बस में ब्रह्म है, तो आप तो ब्रह्म वस्तु को पहले ही अपमान कर दिया, यू आर इंसल्टिंग फुलिश, आप बोका हो। ब्रह्म वस्तु को तो पहले आप अपमान कर दिया कि ब्रह्म वस्तु माया का चक्कर में है, ब्रह्म वस्तु माया का फेर पे है, तो क्या ब्रह्म वस्तु है वो? अगर ब्रह्म वस्तु है माया का चक्कर में है, हम है कौन सी ब्रह्म वस्तु है महाराज, ये ब्रह्म वस्तु हमको नहीं चाहिए जो माया का चक्कर में है। तो वैष्णव सिद्धांत तो जो है गौड़ीय मठ का गौड़ीय विचार जो है महाप्रभु जी स्थापन किया, देखो ऐसा नहीं बोलना। जैसे जगत में उदाहरण है एक स्पर्श मुनि स्पर्श करके लोहे को परिवर्तन कर दे और खुद स्पर्श मुनि रह जाए, तो क्यों ब्रह्मों का परिवर्तन कैसे संभव है? कैसा ऐसा ब्रह्मों का संभव नहीं है कि ब्रह्म ये जगत जो प्रपंचों को प्रकट करे और फिर भी ब्रह्म तो ब्रह्म ही रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला हाँ हर हालत में हो सकता। इसकी काई विचार महाप्रभु जी ने बताया कि देखो ब्रह्म वस्तु विकार प्राप्त तो नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्म वस्तु का जो माया है वो माया विकार प्राप्त तो होके ये जगत प्रपंच को निर्माण, इट्स ओके। महाप्रभु जी ने बताया कि ब्रह्म वस्तु विकार प्राप्त तो नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्म वस्तु विकार प्राप्त तो नहीं हुआ, लेकिन माया जो है ब्रह्म का जो माया है वो माया ये जगत प्रपंचो निर्माण करके इसी का अंदर जो है दिखाई पड़ता है, सब माया। जगत प्रपंचो झूठा नहीं है, ये हम स्पर्श कर रहे किताब को ये सब टैंजिबल सब ये झूठा है, ये नहीं सब ठीक है, मैटर इज देयर,
लेकिन ये नित्य रहने वाला नहीं। आपका शरीर झूठा है, आप मेरा सामने खड़ा होकर बात कर रहे हो कि झूठा है आप? बोले नहीं, हमारा ये जो शरीर है झूठा नहीं, लेकिन ये नित्य रहने वाला नहीं, अनित्य। ये परफेक्ट सिद्धांत है। जगत प्रपंच झूठा नहीं है, लेकिन जगत प्रपंच जो दिखाई पड़ता है ये अनित्य है। इस परफेक्ट सिद्धांत है ये सिद्धांत जो है, इस परफेक्ट सिद्धांत। हाँ ठीक है, जगत पर मुझे दिखाई पड़ता है आज है कल नहीं रहे, ये मर गया वो मर गया, वो ठीक है हो सकता है, नित्य परिवर्तनशील एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यहां तक कि और भी कोई कोई टाइम का कोई एक्यूरेट कोई भाग हो उसी में भी आपका शरीर का परिवर्तन जगत का परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है ना। टाइम जो है, टाइम जो देख रहे हो, आइंस्टाइन ने व्याख्या किया टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट, आइंस्टाइन ने व्याख्या किया इसी का ऊपर बेस करके, टाइम स्पेस और मैटर रिलेटेड, उसका हम दिखाया था पहले 5 दिन पहले। तो इसी जो है बात जो है महाप्रभु ने स्थापन करके बताया कि देखो ये हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी का नित्य स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप में एक है, नित्य वस्तु चारों ओर हर वस्तु में कण कण में ठाकुर जी है ब्रह्म स्वरूप। और अपना जो नित्य स्वरूप है, नित्य स्वरूप लेके गोलोक वृंदावन में लीला कर रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। इसका भी व्याख्या जन्मादस्य यत्तो श्लोक का व्याख्या किया, उसमें 2 दिन तक थोड़ी व्याख्या कर पाया, बहुत लंबा व्याख्या होनी चाहिए लेकिन क्या करे। तो इसमें आप लोग विचार सुना जे ये जगत प्रपंच जो है वो हम बताया था ना भागवत का, कितना सुंदर बताया था पहला जो श्लोक है, जन्मादसो यतो अन्वयादि त्वराश्चार्थ सविज्ञ सराटो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुझ्यंति यत्सुरयो, है ना बताया ना। इसका व्याख्या अगर याद है तो इसमें आपका कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। तो रीते अर्थम यत प्रतियत न प्रतियत आत्मा ने और भी व्याख्या कर दे, अहम ब्रह्मास्मि जो व्याख्या किया, और मायावादी लोग बोलते हैं कि कैसा उदा, और भी सुंदर सुन लो श्लोक का व्याख्या। मायावादी लोग बोलते हैं महाराज ये प्रपंच जो है वो है ही नहीं। अच्छा महाराज कैसे, व्याख्या करके बताओ। बोले देखो ये गांव, एक एक गांव में एक जंगला जंगल है, उसी जगह आप सोया हुआ है, और सोने का टाइम में आप क्या हुआ, अचानक आपका लघु शंका लगा, लघु शंका के लिए जब उठा, उठ के आंखों नींद है, आज से चलना शुरू कर, अरे बाप रे साफ है, डर गए आप, क्योंकि आपका नींद नींद पूरा खुला नहीं, आधा नींद है, ऐसा करके जान, अरे साफ है, डर के मारे आ गया, भाग के आए हैं, और चिल्लाया और सब अड़ोस पड़ोस में आदमी आया, कहाँ साफ है, बोले ये साफ है, दूर साफ कहाँ है, ये जो रस्सी जो लटक रहा है हवे पे ऐसे ऐसे कर रहा है, वो सोचे कि साफ, अरे बाप रे साफ, एक रस्सी जो है ऐसा कर लटक रहा था, वो चंद्रमा का आलो गिरा और उसको लगा साफ, अरे बाप रे साफ, भगा दौड़ा, गांव का आदमी आया, कहाँ साफ, यहाँ, बोले यहाँ साफ कहाँ साफ, वही अरे ना ये साफ नहीं है, ये तो शैडो पड़ा था रस्सी का, इसी को आपको साफ समझ के रखा। तो मायावादी लोग विचार करके बोलते हैं कि ऐसा ही है, प्रपंच है ही नहीं। देखो पहले ही विचार को सुन लो, मायावादी लोग बोलते हैं जैसे सर्पे रज्जू, रज्जू में सर्प भ्रम, रज्जू है वो सर्प है ही नहीं, इसमें हमारा सर्प का भ्रम हो गया, ये मिसकंसेप्शन गलत भावना, ये जो है ऐसा ही है, ये प्रपंच जो है प्रपंच है ही नहीं, प्रपंच है ही नहीं। तो हमारा गौड़ीय विशुद्ध वेदांत व्याख्या जो है उसमें बोला ठीक है, अगर आपका सामने क्वेश्चन किया जाए तो आप तो आपका तो ये विचार रहा, आप ये विचार पेश कर दिया ना, ते रज्जु पे सर्पभ्रम, रज्जु मतलब रस्सी पे हमारा सर्पभ्रम, अगर हम आपको बोले ठीक है रज्जु पे सर्पभ्रम आप बोला मान लिया, लेकिन हम अगर कहें कि सर्पो का जो कंसेप्शन है ये तो झूठा नहीं था, मेरा बात ध्यान से सुन लो, वो जो सर्प का डर से भागा था, सर्प बोल के कोई चीज है उसका डायरेक्ट फीलिंग इज देयर इन हिज हार्ट, दैट्स व्हाई ही बिकम, सर्प बोल के तो चीज है ही है,
उधर सर्प नहीं है, लेकिन सर्प बोल के वास्तव कोई चीज है और वो कैसा भयंकर चीज है उसका डायरेक्ट उसका फीलिंग्स है, बाप रे बाप सर्प है, वो तो झूठा नहीं है। तो मायावादी लोग कोई उत्तर नहीं दे पाता है, कैसे उत्तर दे पाएगा बोलो, तो सर्प है, सर्प बोल के चीज जरूर है, उसका बारे में उसका जानकारी है। जब भी वो डर गए, नहीं तो डरने का कोई बात ही नहीं। तो ये प्रपंच का बारे में जो आप व्याख्या दे रहे हो मायावाद विचार, ये हम मानने वाला नहीं है, हम नहीं मानेंगे। हाँ, अहम ब्रह्मोस्मि आती बहुत सारे व्याख्या का व्याख्या करते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ऐसा व्याख्या करते हैं। तो ये जो विचार आपने सुने इसमें सारे और व्याख्या लंबा होना चाहिए, होनी चाहिए। इधर की रीति अर्थम जत प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मनि तद विद्वान आत्मनो मयाम यथा भासो यथा तमहा, यथा आभास और यथा तमो, यथा भासो यथा तमो, ये दोनों बन के प्रपंच जो है आपको धोखा दे रहा है। वह कैसा है, भले तत्व वस्तु का जो एग्जैक्ट तत्व वस्तु है, वास्तव नित्य तत्व वस्तु, इन्फिनिटी पीरियड में अनंत काल में जो तत्व वस्तु नाशवान नहीं है, नाश होने वाला नहीं है, नित्य वस्तु, उसका ही आपका जो इधर जो अनुभव हो रहा है, इसका ही गलत अनुभव हो रहा है। भले वो बताओ, ये उदाहरण दिया ठाकुर जी ने बताया, यथा भास यथा तमह, यथा आभास यथा तमह, ये दोनों का उदाहरण दो। ठाकुर जी तो बोले यथावास यथा तमह, हम तो मानने वाला नहीं, कैसे माने, उदाहरण दे दो। भले यथा भास हो यथा आभास हो, आभास कैसा, जैसे जो सोलर इक्लिप्स होता है ना, सूर्य ग्रहण का समय में आप डायरेक्ट देखते नहीं हो, कैसा करते हो, पानी के अंदर देखते हो, हैं पानी के अंदर देखते हो ना, तो पानी के अंदर जो सूरज का जो 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 प्रभाव पड़ा, जैसे लगता है पानी में देखोगे डायरेक्ट लगेगा वो सूर्य ही है, सूर्य है लगेगा, जैसा सूर्य वैसे तो लगेगा, लेकिन वो सूरज नहीं है, उसका आभास है, आभास है, उसी का नाम आभास। आप जलाशय का सामने खड़े हुए हो और जलाशय का सामने, इसका उदाहरण हम दशम स्कंद में देंगे, आप तो हल्का करके देंगे, जलाशय के सामने सारे खड़े हुए हो, आप देखोगे जलाशय का ओर देखोगे तो आप देखोगे जो आपका सबसे, आप आंखों से देख रहे हो ना, आंखों से देख, आपका मस्तक जो है पानी में दिखेगा सबसे नीचे, आपका जो बॉडी है उसमें सबसे करीब करीब है आपका माथा, आंखों के सामने माथा है, लेकिन जब देखोगे पानी के अंदर देखोगे आपका पैर जो है सबसे करीब है, अब माथा जो है बहुत नीचे, देखा कभी, देखा नहीं, पानी में जो है देखोगे उल्टा देखोगे, बोले महाराज पैर तो हमारा कितना नीचे, लेकिन पैर देखोगे बहुत करीब करीब है, पैर तो लगा हुआ है और जो बाकी रिफ्लेक्शन माथा एकदम नीचे, लेकिन ये सच्चा है क्या, इज इट ट्रू, ये सच्चा बात है, नहीं है, लग रहा है इट सीम्स, लेकिन एक्चुअल वास्तव में ये सच्चा नहीं है। ऐसा करके यथावास यथा तमहा, जैसे सूरज है आसमान में, सूरज का जो छवि है वो पानी का अंदर में घिरा है, तो पानी का अंदर में आप देखोगे तो सूरज जैसा वही तो देखोगे, इसका नाम है आभास। और तमो कैसा है, तमो जैसा, तमो का भी उदाहरण दे रू, आज सुबह में शाम सूरज उठा आसमान पे, लेकिन जब शाम ढल जाएगा वही सूरज धीरे धीरे हमारा नजर का बाहर चले जाएगा, सूर्य वैनिश हो गया, कहाँ गया सूर्य, खत्म हो गया क्या, मर गया नहीं, हमारा आंखों का बाहर चला गया, वो ग्लोब है उसका दूसरे जगह, सेकेंड पार्ट जो है पृथ्वी का दूसरा हिस्सा वहां चला गया, अब हमारा इधर अंधेरा है, अब फिर सुबह होगा वो लोग का अंधेरा हो जाएगा, हमारा उजाला हो जाएगा, होगा ना, ये जो सूरज जो है वास्तव आप देख रहे हो, सूरज को ढल जाना और सामने अंधेरा प्रकट हो जाना, अंधेरा ही अंधेरा, अभी तो अंधेरा है, इसका नाम है तमो। वास्तव सूर्य है लेकिन आप अभी तो सूरज नहीं है, नैया बोल के चिल्लाओ जितना करो, सूरज तो यही है, सुबह होने के साथ साथ ही देखोगे, इसका नाम है तमो। अब तमो फैला दिया और अंधेरा में अंधेरा कवरिंग हो गया, तो आप देख नहीं रहे हो, तो इसलिए देख नहीं रहे हो, तो देख नहीं रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं, वस्तु है ही नहीं,
किसी बूका आदमी है, बादल ने ढक दिया सूरज को, वो आगा चिल्ला के बूका आदमी चिल्ला सूरज है ही नहीं, सूरज है नहीं, बादल ने तुम्हारा आंख को ढक दिया, सूरज को, सूरज को ढकना संभव नहीं, बादल तो इतना, बादल कितना है, बादल थोड़ी सी जगह, मेरा आंख को कवर कर दिया, सूरज को ढकना संभव नहीं, कहां सूरज है आ कहां बादल है, बस हमारा दर्शन क्रिया जो हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये बादल ने, बादल ने हमारा आंख को ढक, हमको कवरिंग कर दिया, सूरज को ढक नहीं पाया। ऐसा वास्तव सत्य वस्तु जो है भगवान श्री कृष्ण है चित सूर्यो, उसको कभी कोई चिल्लाओ चीखो चिल्लो कुछ भी करो, आंदोलन कर लो, एजिटेशन करो, बट वास्तव सत्य वस्तु तो वास्तव सत्य वस्तु ही रह जाएगा। तुम्हारा चिल्लाने से, एजिटेशन करने से, आंदोलन करने से कुछ होने वाला है नहीं, वो वही रहेगा। तो रीति अर्थम जब प्रतीत न प्रतीत चात्मानी है बोला, रीति अर्थम जब प्रतीत न प्रतीत चात्मानी, जो दर्शन हो रहा है ये प्रकृति में प्रपंच में, उसका प्रभाव हृदय में लेने का कोशिश मत करो, ये दृश्यमान जगत है ये होने दो, लेकिन हृदय को विकार, हृदय में हृदय विकृत होना होनी नहीं चाहिए, अगर अनुभव हो जाए तो ऐसा ही होगा। तद्विद्वा आत्मानमयम यथावास यथा तमह, यथा यथा आभासो यथा तमह, इसका उदाहरण थोड़ी सी शब्दों में हम व्याख्या कर पाया, बहुत सारी लंबा चौड़ा व्याख्या होनी चाहिए लेकिन समय नहीं है, काल से हमको तीसरा स्कंद शुरू करना ही करना, अब कोई आज थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए तो बुरा मत मानना। यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु अनु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु नौतेषु अहम्, बड़ा बड़ा सुंदर चैतन्य चरितामृत तुम्हें सुंदर बताया महाप्रभु जी ने, बांग्ला अगर थोड़ा समझ में आता है तो हम बता देते। आमी तो जगत बसी जगत अमाते, नामी जगत बसी ना जगत अमाते, कितना सुंदर व्याख्या के, हम जगत में प्रविष्ट हुए हैं लेकिन फिर भी हम जगत में नहीं है, बोले इसका माने क्या हुआ, बड़ा मुश्किल की बात हुआ, हम जगत प्रपंच में प्रविष्ट हुए हैं फिर भी हम जगत में नहीं है, होते हुए भी नहीं है, हैं? अमी तो जगत वसी जगत अमाते, नामी जगत वसी ना जगत अमाते, हम जगत प्रपंच में प्रविष्ट होके रहा ब्रह्म रूप फिर भी हम नहीं है, क्यों, हमारा जो नित्य स्वरूप है उसको बना के रखा है, इतना हमारा प्रभाव है, ठाकुर जी बोल रहे हैं अर्जुन को। और यहां जथा महांति, महांति मतलब ये जो प्रापंचिक विश्व का रचना किस वस्तु से हुआ है, ये जो हमने बताया था चतुश्लोकी का पहले बताया था ना, तदंगंच, तदंगंच बताया था ना, इस कौन है, ये क्या है, पुरुष और ये जो ये आपका प्रकृति और जो महा जो है आपका बताया था ना हमने, ये दोनों मिलकर महा प्रधान, प्रकृति और प्रधान, प्रधान मतलब वस्तु, ये जो महाविष्णु है इसी का कृपा के द्वारा गीता में बताया गया, गीता में सुंदर बताया, हमारा इक्षण के द्वारा हम जो दृष्टि रखते हैं, हमारे इक्षण के द्वारा ये जगत प्रपंच सृष्टि होता है, मायाधक्षेणा प्रकृति स्वयते चराचरम, गीता में पढ़ा ना, मायाधक्षेणा प्रकृति स्वयते चराचरम, हमारा प्रिंसिपल शिप के द्वारा प्रकृति चराचर विश्व को प्रसव करती है, मायाधक्षेणा प्रकृति स्वयते चराचरम, अब प्रसूत ये जो है महाविष्णु दृष्टि के द्वारा, महाविष्णु दृष्टि दे प्रकृति का ओर देखे तो उसमें जितना सा अनंत जीवराशि दृष्टि के द्वारा प्रकृति का गर्भ में जैसे बीजाधन होता है मैया लोग गर्भ में वहां चला गया, अब प्रकृति अबर हाथी घोड़ा सांप आदमी कुछ भी प्रसव करते रहे, लेकिन वो बीजो कहां से आया, अहम अहम बीजो प्रदे पिता, भगवान गीता में बोला अहम, उसके बाद आप इम्पर्सनल ब्रह्मो को कैसे स्थापन कर पाओगे बोलो, जब गीता में भगवान तो अहम बीजो प्रदे पिता, हम पिता है जो बीजो आधान किया है, तो आप बोले ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, बोका का माप, समझा मेरा बात, तो यहां जो विचार आता है, यहां बताया गया कि ये जो विश्व जो है ये महाविष्णु का इक्षण के द्वारा दृष्टि
सब वीर जो आधान हो गया प्रकृति का गर्भ में, लेकिन जो वस्तु आया मैटर, इतना सारे मैटर है, सो मैटर कहां से है? मैटर प्रधान से आया, जो सदाशिव है वो दिया। वो कैसे? उसका विचार आएगा, पागल हो जाओगे सुन ले। जैसे उर्ण नाभि स्पाइडर, स्पाइडर जान है, माकड़ी, माकड़ी जानते हो, माकड़ी, माकड़ी क्या करते, अपना ही जब अपना ही मुख से लाला को निकलते, लाके इतना बड़ा बासा बना है, फिर जाने का टाइम में उसको खा लिया, खत्म हो चला गया। ये प्रपंच विश्व सृष्टि का पहले ये सब ध्यान से सुन लो, नहीं तो बच्चा का मापी की कथा होगा, नाचना कूदना कुछ नहीं है, आनंद ही नहीं है। ऐसा उदंड कीर्तन होना चाहिए कि हमारा दिल उछल पड़े, कुछ नहीं है, मुर्दा जैसा, हमारा आनंद नहीं हो रहा है। बार बार ये बात हम बोल रहे हैं, फिर भी ठाकुर जी का कृपा से बोल रहा हूं, ठाकुर जी बोलाए तो हम बोल सकता। तो ये जो है हमने क्या बताया, क्या बताया, जैसे उर्ण नाभि जो माकड़ी जैसे अपना मुख से ही, अपना मुख से ही लाला को निकले, और ऐसा सूत्र बनाए, ओह कितना सो नेटिंग अब बना पाओ सा, कितना बड़ा कपड़ा बुनने का कल हुआ ना, मशीन हुआ ना कपड़ा बुनने का, और ये जो बुने ऐसा कैसा बुने बोलो, कोई मशीन नहीं कुछ नहीं है, अपना मुख से बना दिया, फिर जब जाए खत्म हो गया, पर्पस सॉल्व हो गया, तो उसको फिर खा ले। दे ही समझ लो, जब भी ये मेटेरियल उदाहरण काफी नहीं है, फिर भी वो उदाहरण तो आपका लिए समझने के लिए काफी हुआ ना, तो ये कहां से आया? इसका उदाहरण पहले भी दिया था, बहुत सारे उदाहरण आ जाता है, मैटर एंड डेंसिटी वाइसी वर्सा, पहले उदाहरण दिया था चार पांच दिन पहले, इफ वॉल्यूम्स टेंस टू जीरो तो डेंसिटी टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाता ना। तो हम ये सोचे कि ये जो विश्व प्रपंच है इसका ये एवरेज डेंसिटी वो इन्फिनिटी का तरफ उसका जो जो गया डेंसिटी, तो वॉल्यूम टेंस टू जीरो, ठाकुर जी में समा जाएगा, पूरा विश्व जो है ठाकुर जी में सूक्ष्म रूप से समा जाएगा। ये संभव है ना संभव? हमने इसका साइंटिफिक प्रमाण दिया, जो भी है इस बारे में हम कार चर्चा करेंगे, बड़ा उत्साह लेके आना, मुर्दा का मापिक नहीं आना, सब संसार का सब फेंक के आया, कुछ भी हो जाए, चाहे पूरा दुनिया मर जाए, आपका क्या आता जाता, आप जल्दी आ जाओ, आके बैठो, तो हमारे पास समय रहेगा हम व्याख्या करें, नहीं तो हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे। आज आज इस व्याख्या को कल हम फिर बताएंगे, फिर तीसरा कंस जरूर जाए, और आज आज जो राधा रानी का जो कुंड है, खूब संक्षेप में 5 मिनट में हम बताएंगे, और राधा कुंड का प्राकट्य तिथि है रात 12 बजे। ये राधा कुंड का प्रकट तिथि जो है एक मजेदार लीला है, एक दफे सखियों ने कृष्ण के साथ बहस किया, तर्क किया, तो हमको छो मत, राधा रानी बोले हमको छो मत, गोपियों बोले हमको छो ना, तुम अलग जाओ, कृष्ण को बोला, कृष्ण बोले काहे को, क्या दोष हो गया, बोले दोष हो गया तुम ब्रह्म हत्या किया है, तुम्हारा जो जो अरिष्ठ गांव है ना, वो अरिष्टासुर वृष रूप धार पकड़ के क्या आए, उसको तुम्हारा तुम्हारा ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तुम्हारा पाप हम नहीं निकल, स्पर्श मत करो, दफा चलो। कृष्ण बोले अरे तरीका रास्ता तो बताओ, जैसे मेरा पाप चले जाए, जाओ तू ना दुनिया का जितना तीर्थ है सब स्नान करके आओ, तो उसका बाद हमारा साथ बात करोगे, नहीं तो बात नहीं करेंगे। कृष्ण बोले एक काम करो ना, हम इतना दूर तीर्थ में जाए, उसका बदले हम सारे तीर्थ को इधर बढ़ाए, ये भी कोई होता और हाँ होता। कृष्ण बोले हाँ दिखा दे हम, कृष्ण बोले हम दिखा देते, सारे तीर्थ इधर आए और तुम्हारा सामने हम नहाएंगे। बोला ऐसा कैसे होता है? बोले हाँ होता है। बोले अपना जो प्राशनी है अर्थात जो गुरा अपना अपना जो पैर का जो ऐसा ठुंक दिया, पैर पैर का जो गुठली है ऐसा देने से एक फट गया जमीन, और फटने के बाद बड़ा जमीन गिर गया उधर, मिट्टी चल नीचे में गया। उसके बाद कृष्ण हर तीर्थ को बोला, हे सब तीर्थ को बोला, इलाहाबाद आ जाओ, फलाना आ जाओ, सारे तीर्थ को बोला, सारे तीर्थ आया और कृष्ण के सामने दंडवत करके परिचय दे के, हम इलाहाबाद है त्रिवेणी संगम, आपका चरण में दंडवत, ये पानी में चला जा, हम है आपका वो जो है आप ये तीर्थ है वो तीर्थ है, सारे अपना अपना परिचय दे के पानी के अंदर चला गया। सब तीर्थ जब दुनिया का सारे तीर्थ हो गया, कृष्ण हंसते हंसते बोला अब तो इसमें नहाए, अब तो हो जाएगा ना। राधा रानी चुप हो गया, और क्या उत्तर दे क्या उत्तर दे, बोला अभी इसमें नहा ले, उसके बाद
हो जाएगा सारे समाधान, और ना लिया पर अब तो हम पवित्र है। राधा रानी सोचे कि ये तो कुंड बना लिया सुंदर हमारा, अशोकियों ने बोला हमारा तो कोई कुंड नहीं है, उसका तो सैम कुंड हो गया, अब क्या करे। बोले राधा रानी बोले हम भी एक कुंड बनाएंगे, और कैसे बनाओगी? बोले अपना कंकन जो है इसे खोदना शुरू कर दिया। ठाकुर जी का प्रभाव ऐसा मत सोचो कंकन से होता है मेटेरियल भावना, ऐसा ना करो, ठाकुर जी का प्रभाव है। राधा रानी कंकन से पूरा एकदम एक तो बड़ा कुंड बना दिया। अब कुंड में पानी नहीं है, किसने बोले काम करो पानी तो नहीं है, कुंड किस काम का है, हम अपना पानी देते हैं। ना 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 ना, वो कुंड में ब्रह्मोत्ता का पाप, आप नहा हो नहे हो वो पाप उसमें गया, हम नहीं लेंगे। अब क्या किया जाए, तो लेगे नहीं, ये पानी बहुत पवित्र है ले लो। उसका बाद खेलते खेलते क्या हुआ, पूरा पानी एकदम भड़के एकदम एक कुंड से दूसरे कुंड में जाना शुरू कर दिया। एक कुंडो भी भरपूर एकदम पूरा कुंडो पूरा क्या हुआ, दो कुंडों का मिलन हुआ। और दो कुंडों का मिलन स्थल जो है राधा कुंड श्याम कुंड का मिलन स्थली, शास्त्रों में विचार है जो राधा कुंड है वही राधा रानी स्वयं, जो श्याम कुंड है साक्षात स्वयं, इसलिए उसमें जाके पैर मत लगाओ। हमारा गौड़ी वाले का विचार है वहां जाके पैर लगा के स्नान हम करते नहीं, दंडवत करते। थोड़ी सी शब्दों में हम बताया, अब तो ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाए, आप इस तक व्याख्या को समाप्त रखे, आज तो समय हो गया आरती का भी। वैराग्य विद्वान निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुषो पुराणो श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधिर यस स्तमहं प्रपदे वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो।